तो कल जो हमने बात की थी गरीबी के ऊपर, उसी से आगे बढ़ाएंगे चीजों को, क्योंकि उस आज जो हम लोग करंट के टॉपिक लेने जा रहे हैं वो टॉपिक सारे के सारे कल के लेक्चर से जुड़ेंगे। और कल हमने जितनी भी बातें की थी उसका इसमें सार आएगा, इसलिए हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे चीजों को, कल वाली चीजों को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। तब तक और लोग भी जुड़ जाएंगे हमारे साथ और जल्दी जल्दी हम रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। एडिटिंग कल हो गया था काफी हद तक, लेकिन आज जो है हमारा एम है आप लोगों को चीजों को रिवाइज कराना। तो स्क्रीन शायद नहीं दिख रही होगी, मैं स्क्रीन आपकी ये शेयर कर देता हूं। अब दिख पा रही होगी आपको स्क्रीन? ठीक है, तो कल हमने जो बात की थी उससे आगे बढ़ाते हैं, वहीं से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले वही फीचर्स ऑफ पॉवर्टी, यानी कि बताया था आपको पॉवर्टी के कई सारे रूप हैं, उसके कई सारे प्रभाव होते हैं, इसके मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी डायमेंशंस होते हैं और उसके बहुत सारे मैनिफेस्टेशन है, प्रकटीकरण है, कई तरह से प्रकट होती है। गरीबी कई रूप में प्रकट होती है, इट इज कॉज बाय सेवरल ऑब्स्टिकल्स, और ये सब बताया था। गरीब जो होते हैं उनके पास बहुत कम एसेट्स होती हैं, लैंडलेसनेस होती है। आपने नोट्स देख लिया होगा, नोट्स आपको भेज दिया था ग्रुप में, देख लिया होगा, मेल कर दिया गया था आपको। लो इनकम, लो कंजम्पशन, नो सेविंग्स, हाई इंडेटनेस, बहुत ज्यादा ऋण होता है, जॉबलेस होते हैं, एम्प्लॉयमेंट इनसिक्योरिटी होती है, फूड इनसिक्योरिटी होती है, इलिटरेसी एंड लैक ऑफ फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, पुअर हेल्थ, हाउसिंग, इल हेल्थ, पुअर सैनिटेशन। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हम इन सब चीजों पे आने वाले हैं। इसके अलावा मार्जिनलाइजेशन एंड हाई डिपेंडेंसी, फ्यू कॉन्टेक्ट विद की पर्सन्स इंस्टीट्यूशंस, जो खास खास लोग होते हैं उन लोगों के साथ उनका कॉन्टेक्ट नहीं होता, लिटिल इन्वॉल्वमेंट इन इंफ्लुएंशियल फोरम्स, जो प्रभावी फोरम्स होते हैं जो प्रभावित कर सकते हैं समाज को, देश को, रणनीति को, राजनीति को और अर्थतंत्र को, ऐसी जगहों पर उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। कॉम्पिटिशन फॉर रिसोर्सेज एमंग द पुअर, जो रिसोर्सेज है, आय के स्रोत है, संसाधन है। इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी एंड सबॉर्डिनेशन होता है, हमेशा सबॉर्डिनेशन होता है, लो सेल्फ एस्टीम होता है, लो सोशल स्टेटस एंड रेजिग्नेशन होता है, सब्सिस्टेंस लिविंग होता है, नो फ्यूचर प्लान, फ्यूचर प्लान नहीं होता उनका कोई। कल और भी बहुत सारी चीजें हैं इनके बारे में बताई थी आपको। चलिए विशेष सर्कल को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कल विशेष सर्कल की बात आई थी, तो तीन प्रकार के सर्कल आपको बताया, तीन प्रकार के फैक्टर्स बताए थे आपको, सप्लाई साइड फैक्टर्स, डिमांड साइड फैक्टर्स और मार्केट इम्परफेक्शन। गरीबी के दुष्चक्र, विशेष सर्कल का मतलब बताया था गरीबी का दुष्चक्र, आखिर आदमी गरीब क्यों बना रहता है, तो क्या क्या बताया था? ये बताया था सप्लाई साइड फैक्टर्स, इसमें क्या बताया था कि लो सेविंग्स होती हैं, लो इन्वेस्टमेंट, लो प्रोडक्शन, लो इनकम। सो ये एक सर्कल हो जाता है, जब इनकम ही कम है तो सेविंग भी कम होगी, लो प्रोडक्टिविटी होगी, लो इन्वेस्टमेंट होगा। इसको थोड़ा सा अच्छे से रख लीजिएगा, लिखने में बार बार आपको मदद करेगा। और इधर बताया था आपको सप्लाई साइड फैक्टर में, यहां लो डिमांड होगी, लो इन्वेस्टमेंट, लो प्रोडक्टिविटी, लो इनकम। जब डिमांड लो होगी तो लो इन्वेस्टमेंट होगा, लो प्रोडक्टिविटी होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो प्रोडक्टिविटी भी नहीं होगी तो इनकम भी लो होगा, तो ये डिमांड साइड फैक्टर है। मार्केट इम्परफेक्शन बताया था आपको, क्योंकि वो इम्परफेक्ट होते हैं, ना तो यूटिलाइज कर पाते हैं नेचुरल रिसोर्सेस को, ना वो डेवलपमेंट कर पाते हैं और अपना किसी प्रकार से ह्यूमन रिसोर्स का, बट ड्यू टू लो लैक ऑफ स्किल एंड लो लेवल ऑफ नॉलेज नेचुरल रिसोर्सेज रिमेन अनयूटिलाइज्ड। तो जो प्राकृतिक संसाधन है वो भी नहीं कर पाते, ह्यूमन रिसोर्स भी नहीं कर पाते। तो दरअसल वो अपना विशेष सर्कल जो पॉवर्टी का है, ये मार्केट इम्परफेक्शन जो है इसका अपना एक कारण बन जाता है।
डायमेंशन बताए थे कल आपको, रीजनल डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी, सोशल डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी। रीजनल डायमेंशन बताया था बिहार और केरला में कितना डिफरेंस है, ये रीजनल है। सोशल बताए थे आपको, सोशल वाला क्या क्या बताया था, सोशल वाला डायमेंशन बताया था कि अगर आप डिस्प्रोपोर्शनेटली अगर आप देखें तो जो SC/ST है सोसाइटी में वो सबसे ज्यादा पॉवर्टी, उनका परसेंटेज आपको 81% देखने को मिला था 1999-2000 में रूरल पुअर का। सो SC/ST में सबसे ज्यादा आपको पुअर क्लास मिलेंगे, तो ये सोशल डायमेंशन है पॉवर्टी का। अब आ जाइए जल्दी से रिवाइज करते हैं, कॉजेज एंड रेमेडीज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। कॉजेज क्या है, एक बताया था आपको गरीबी का सबसे बड़ा कारण बताया था कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। अगर हम हमारा वेल्थ ड्रेन की थ्योरी देखें दादाभाई नौरोजी की, तो यहां आपको देखने को मिलेगा। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर द पुअर, सरकार भी कम इन्वेस्टमेंट करती है, प्राइवेट सेक्टर भी कम इन्वेस्ट करता है। सो पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो गरीबी का सबसे बड़ा कारण जो है ये माना जाता है कि इन्वेस्टमेंट कम होता है। सोशल सिस्टम इन इंडिया, भारत का जो सामाजिक ढांचा है वो खास करके लोअर कास्ट हिंदूज का जो है वो बहुत बड़ा शोषण होता है, हायर कास्ट हिंदूज जो है वो प्रॉफिट में रहते हैं, वो डोमिनेंट कास्ट होती हैं, उनके पास ज्यादा लैंड होती है। सो लैंडलेस लेबरर और पुअर क्लास जो होते हैं, आर्टिसंस जो होते हैं, वो सोसाइटी में सबसे निचले तबके होते हैं और उनका एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी 1947 से लेकर के अभी तक की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उनको यदि आप देखेंगे तो उसमें आपको ये दिखाई पड़ेगा, एग्रीकल्चर पर ज्यादा भरोसा करना, एग्रीकल्चर पर ज्यादा डिपेंड करना, ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है। हैवी पॉपुलेशन ऑन प्रेशर और हाई लिटरेसी, निरक्षरता बहुत ज्यादा होना और पॉपुलेशन प्रेशर पे जो है, कल आपको बताया था कोट, पीपल आर नॉट पुअर बिकॉज दे हैव लार्ज फैमिलीज, जबकि इसी के कॉन्ट्ररी में जो है बताया था कि दे हैव लार्ज फैमिलीज बिकॉज दे आर पुअर, क्योंकि वह बड़ी फैमिली है इसीलिए, क्योंकि गरीब है इसलिए बड़ी फैमिली है उनके पास। कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो गरीब नहीं है क्योंकि उनके पास तो बड़ी फैमिली है, तो ये आपको बताया था कल। चलिए तो ये रिवीजन हुआ, फिर लेक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप नवा पॉइंट है, लेक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, स्वरोजगार की ललक जो है हमारे भारतीयों में नहीं होती है। सो इन सब का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये हमने शॉर्ट में तैयार कर दिया, थोड़ा सा एडिट कर दिया उसको। कल जो बताया था आपको बड़े नोट्स थे, आज शॉर्ट में बता रहे हैं ताकि आप सीधा सीधा परीक्षा में क्या लिख सकें। रेमेडीज पॉवर्टी के लिए, सेविंग में इंक्रीज करना है, इंक्रीज इन सेविंग्स, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है, बैलेंस ग्रोथ, ग्रोथ को बैलेंस करने की जरूरत है, इंक्लूसिव ग्रोथ करने की जरूरत है, और बताया था ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मानव पूंजी का निर्माण करना। मानव पूंजी का निर्माण कैसे होगा, स्किल डेवलपमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा स्किल डेवलपमेंट करना, नॉलेज, वोकेशनल ट्रेनिंग देना, टेक्निकल नॉलेज बढ़ाना, एजुकेशन का स्तर ठीक करना, इन सब से जो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा। और इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाना पड़ेगा, एक ये पॉइंट है। अदर मेजर्स बताए थे, मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, एम्पावरमेंट ऑफ पुअर, लैंड रिफॉर्म्स, एसेट क्रिएशन एंड पॉलिटिकल विल एंड सोशल चेंज, ये 10 जो है अदर मेजर्स है।
जो बढ़ावा दे सकते हैं। अब प्लांड एफर्ट बताए थे आपको, इनको रिवाइज कर लीजिएगा। आज एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, गरीबी को दूर करने के लिए जो 1976 से जो प्रोग्राम चले थे आईआरडीपी से लेकर के तमाम ईजीएस तक, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम तक, रोजगार गारंटी, मनरेगा तक, तो मनरेगा तक जितने भी प्रोग्राम हैं इन सब प्रोग्राम का आप रिविजन कर सकते हैं। तो ये रिविजन में आज आपके सामने ये टारगेट है। चलिए शुरू करते हैं हम एक आर्टिकल, माइग्रेशन रिवर्स्ड। यहां ये आर्टिकल हम लोग इसलिए लेके आए हैं क्योंकि ये आपको बहुत सारी चीजों के बारे में बताएगा। इसमें आपको अभी जो गरीबी का मुद्दा हमने क्यों उठाया है इसके बारे में बात समझ में आएगी। चलिए इसको नोट करना शुरू कीजिए, पॉइंट्स को। मैं इसको भी अंदर कर देता हूं। सील देम नाउ। Soon after the large-scale movement of migrant laborers across India post-lockdown, the Home Ministry was forced to seal interstate and inter-district borders. अभी आपने देखा कि interstate border और inter-district borders को seal कर दिया। That clearly shows the total lack of any preparation prior to announcement of the lockdown. What next? अगर आपने seal कर दिया तो क्या है? All those who left will be quarantined for 14 days in their respective states. Did the central government not even foresee this huge panic driven exodus? ये जो लोग निकलेंगे बाहर, खास करके दिल्ली के laborers जो आप देख रहे हैं, lockdown के बाद में एकदम जो दिल्ली से जो भीड़ निकली है March 24 को जब अनाउंस हुआ उसके बाद, ये जो इतना ह्यूज एग्जोडस है इसका जो रिजल्ट हुआ वो छोटे लेबर्स के साथ कैसे हुआ? डाइल्यूटेड। द पीएम्स वेल इंटेंशनड मूव हैज बीन लार्जली डाइल्यूटेड ड्यू टू दिस मास एग्जोडस। ये जितने भी लोग निकले हैं इसकी वजह से पूरा का पूरा जो उद्देश्य था प्रधानमंत्री के इस अनाउंसमेंट का उसका कोई ज्यादा मतलब नहीं निकला। द टू स्टेप्स दैट were needed prior to announcing lockdown were, अब जब आप lockdown करने जा रहे थे तो दो step जो है पहले लेने थे। पहला, making sure landlords did not evict the laborers। जो landlord है, मकान मालिक है, वो उनको sure करना था कि इनको आप बाहर नहीं निकालेंगे, जो श्रमिक है उनको for a month, एक महीने तक कम से कम अगर वो किराया न भी दे पाए तो आप उनको बाहर नहीं निकालेंगे। And providing for basic needs, lockdown did not take care of this. और सबसे बड़ी चीज है provide, इनको अगर आप basic needs नहीं देते तो फिर ये कहां जाएंगे? अगर आप basic need दे देते तो ये शायद बाहर नहीं निकलते। So ये सब चीजें lockdown के समय में बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखी गई। So state governments, they would have prepared much better had planning been done. और लार्जर इश्यूज अबाउट लेबर क्या क्या है देखिए। वी गेट टू लर्न सम डीपर थिंग्स इन द क्राइसिस। द ह्यूज इनफॉर्मल सेक्टर वर्कफोर्स इज एक्चुअली नॉट कवर्ड अंडर एनी वेलफेयर स्कीम स्टेट प्रोटेक्शन। स्टेट में कोई भी ऐसा स्कीम नहीं है वेलफेयर की जिसमें कि इनफॉर्मल सेक्टर की वर्कफोर्स को वाकई में कवर किया जा सके या उनको कोई मदद दी जा सके। कल हमने बात की थी इसके बारे में, आप जानते हैं कि हम इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में बता रहे थे कि इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है। अभी फिर उसकी विशेषताएं कुछ बताएंगे, आपको रिवाइज कराएंगे। क्यों बताई थी अब आपको समझ में आ रहा होगा, अभी यहां पर इनफॉर्मल सेक्टर आया है। तो द लॉज आर इनइफेक्टिव एंड यूजलेस। द इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1979, ये ऑलरेडी बना हुआ है। डिटेल्स ऑल राइट्स ऑफ वर्कर्स एंड ड्यूटीज ऑफ कॉन्ट्रेक्टर्स
and state, but it's not being followed. अब दो जो है लॉ बने हुए हैं, कौन कौन से लॉ बने हुए हैं? एक तो 1979 का लॉ है, द इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट. इसका मतलब है ये उसके उनके एम्प्लॉयमेंट और कंडीशंस ऑफ सर्विस को रेगुलेट करने वाला लॉ है, उनको रेगुलेट करता है. और दूसरा ये इसमें ये भी बताया गया ना, ड्यूटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स और स्टेट, यानी कि जो लेबर है माइग्रेंट है. दरअसल क्या है, इंटर स्टेट माइग्रेंट के ऊपर काफी समय से चर्चा हो रही है. ऐसा नहीं है कि 1979 में देखिए लॉ बना हुआ है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में माइग्रेंट होकर के कैसे जो काम करने वाले लोग जाते हैं तो उनको रोजगार और उनकी कंडीशंस ऑफ सर्विस कैसी होंगी. तो इसमें जो कॉन्ट्रेक्टर्स होते हैं, ठेकेदार होते हैं, और जो राज्य है वो उनके क्या कर्तव्य होंगे इनके प्रति, और इन वर्कर्स के क्या राइट होंगे, उनके क्या अधिकार होंगे, ये सब बारे में एक एक्ट ऑलरेडी बना हुआ 1979 में, लेकिन उसको फॉलो नहीं किया गया. दूसरा एक्ट 2008 में बना था, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट. और ये जो एक्ट है ये इसकी रिपोर्ट पर बना था, NACUS के, नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइजेस इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. तो 7,000-10,000 एंटरप्राइजेस होंगी जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की है, उनकी एक नेशनल कमीशन है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के ऊपर एंटरप्राइजेस का. इज आल्सो नॉट इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली. ये जो एक्ट बना है 2008 का, ये भी प्रॉपरली जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया गया. दूसरा एक कंसेप्ट आया था जो जून जुलाई 2020 तक जो है पूरा हो जाना था, वो था वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम. वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम जो है लगभग जून 20 तक कंप्लीट होने जा रही थी, लेकिन अब तो अभी नहीं आ पाएगी. ये जो है इसको रोका नहीं जाना चाहिए, डू नॉट डिले दिस एनी मोर नाउ. इसको बिल्कुल भी अभी रोका, एक राशन कार्ड होना चाहिए पूरे देश का. पूरे देश में जैसे एक ही आधार कार्ड होता है, पूरे देश में एक ही पैन कार्ड होता है, पूरे देश में एक ही कार्ड से आप काम चला लेते हैं. पासपोर्ट जो होता है वो आप किसी भी राज्य के हो, आप भारत के नागरिक के रूप में जाने जाते हैं. तो राशन कार्ड भी हमारा सबका एक होना चाहिए. तो एज इट कुड हैव हॉल्टेड दिस सडन एवर्स माइग्रेशन. अगर एक ही राशन कार्ड होता तो उसको अपने गांव नहीं भागना पड़ता. अभी उसको पता है कि मुझे जो राशन कार्ड पे कुछ मिलेगा तो वो मेरे गांव में मिलेगा, यहाँ तो कुछ मिलना नहीं. सो वन नेशन वन राशन कार्ड फिर से याद किया जा रहा है. तो कौन कौन सी चीजें लॉकडाउन के समय में याद की जा रही है गरीबों के लिए. और देखिए जो घरों में खूब अच्छे से खाना वाना जमा करके बैठे हैं और बढ़िया सा उनके पास घर है, एसी लगा हुआ है, पंखा चल रहा है, और अच्छे से जो लोग रह रहे हैं उनके लिए ये सब समस्या नहीं है लॉकडाउन उतने बड़ी. लॉकडाउन उन लोगों के लिए समस्या है क्योंकि वो माइग्रेशन जो कर रहे हैं वो अपनी इच्छा से नहीं कर रहे, ना ही इसमें उनको कुछ मजा आ रहा है. दरअसल ये सब चीजें जो है ये बड़ी नुकसानदायक है. इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है 2016-17 का, अरविंद सुब्रमण्यम जो थे उन्होंने एक्सप्लेन किया था, इंटरनल माइग्रेशन इज अ ह्यूज इशू इन इंडिया. उन्होंने 2016-17 का अगर आप इकोनॉमिक सर्वे जाकर के देखेंगे तो उसमें क्लियरली एक्सप्लेन किया गया था, इसको स्पष्ट रूप से कहा गया था कि इंटरनल माइग्रेशन जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या है, भारत का बहुत बड़ा इशू है. 90 लाख पीपल माइग्रेटिंग बिटवीन स्टेट्स, उस समय में उन्होंने कहा था 90 लाख लोग जो है वो माइग्रेट करते हैं भारत में, अब 1 करोड़ से ज्यादा है लगभग. दे आर यूजुअली बर्फर्ड ऑफ एनी सपोर्ट, उनको कोई जो है इस प्रकार का जो है सपोर्ट नहीं मिलता, सहायता नहीं मिलती, इतने सारे लोग परोसे हैं. अदर एग्जोडस, लेबरर्स इन लार्ज नंबर आर नाउ नॉट मूविंग आउट फ्रॉम मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, वलसाड एंड जामनगर, बट द स्केल ऑफ अर्बन पॉवर्टी इज नाउ विजिबल. अर्बन पॉवर्टी भी सामने आ गई ना, तो आप दिख रहे हैं. कल आप अर्बन पॉवर्टी की बात कर रहे थे, पॉवर्टी के दो प्रकार बताए थे कल आपको, बताए थे रूरल पॉवर्टी एंड अर्बन पॉवर्टी. तो पॉवर्टी क्यों बताया था कल आपको, क्यों पढ़ाया गया पॉवर्टी से रिलेटेड सारे इश्यूज,
सारी चीजें, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बताया था, एक्सट्रीम पॉवर्टी बताया था, तो ये सारी चीजें जो है ये आप गूगल में खोल खोल करके देखिए, इनके ग्राफ देखिए. दीज पुअर वेयर जींस एंड कैरी स्टफ इन बैकपैक्स. अगर आप देखेंगे कि ये जो इस बार जो सड़कों पर चले आ रहे हैं गरीब जो हैं, ये अलग तरह के हैं. ये शहरी गरीब जो होते हैं ये जींस पहन रहे हैं, अपने पीठ पर बैग में सामान लाते हैं, फ्लिंग ऑन द हाईवेज और चले जा रहे हैं. हैंस पॉवर्टी लाइन डेफिनेशन बेस्ड ऑन फूड एनर्जी इनटेक. अब हमने तो पॉवर्टी लाइन की जो डेफिनेशन बनाई थी वो ये थी कि भोजन कितना लेता है, कैलोरी कितना लेता है, एनर्जी इनटेक कितना है उसके अंदर, एसेट पोजिशंस कितनी है, लेकिन वो बहुत छोटा ज्ञान है हमारा. अब हमको गरीबी रेखा का जो स्वरूप है वो भी समझना पड़ेगा. सो द सडन रिवर्स माइग्रेशन ऑफ मिलियंस ड्यूरिंग पेंडेमिक टाइम्स शोज हाउ पुअरली अंडरस्टूड माइग्रेंट लेबर इशू इज इन इंडिया. सो एक नए प्रकार की जो समस्या अब हमारे सामने आई है, रिवर्स माइग्रेशन ऑफ मिलियंस ड्यूरिंग पेंडेमिक टाइम्स, इससे ये समझ में आता है कि हमने माइग्रेंट लेबर का जो इशू है उसको ठीक से समझा नहीं है, ना ही उसके बारे में अभी तक हमने कोई काम किया है. तो कौन कौन से काम किए जाने चाहिए, कौन कौन से एक्ट पढ़े जाने चाहिए, इसका आप लोग ये एक अच्छा नोट्स जो है यहाँ देख सकते हैं. चलिए नोट कर लीजिए, वन राशन वन कार्ड स्कीम क्या थी, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम. फूड सिक्योरिटी बेनिफिट्स देने वाली है, तो इट इज टू बी अवेलेबल अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम 1st जुलाई 2020. सो पुअर माइग्रेंट वर्कर्स विल बी एबल टू बाय सब्सिडाइज राइस एंड वीट फ्रॉम एनी राशन शॉप इन द कंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर होम स्टेट. उसके लिए होम स्टेट में होना जरूरी नहीं हो, किसी भी राशन शॉप पे जाकर के अपने कार्ड से पूरे देश में कहीं पर भी. तो ये आपको हो सकता है नोट्स जो है ये लिखने को आ सकता है. और चूंकि 1 जुलाई 2020 को ये होने वाला है तो ये आपके प्रीलिम्स का प्रश्न भी बन सकता है, मेंस का भी और इंटरव्यू का भी. तो इसके हाइलाइट्स देख लीजिए, जरा नोट कर लीजिए जल्दी से. और पायलट बेसिस पे प्रोजेक्ट अगस्त तक जो है, अगस्त में 4 राज्यों में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गुजरात में लागू किया जा चुका है 2 क्लस्टर्स. सो दीज स्टेट्स हैव फुल्ली कंप्यूटराइज्ड देयर पीडीएस ऑपरेशंस एंड आर फुल्ली ऑन बोर्ड टू अफेक्ट दिस ट्रांजिशन टू इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी. और देखिए इंपॉर्टेंस क्या है इसका फॉर माइग्रेंट लेबरर्स इन इंडिया. तो हिस्टोरिकली इंडिया हैज हैड फूड सिक्योरिटी बेनिफिट स्कीम विच हैव डोमिसाइल बेस्ड एक्सेस. डोमिसाइल बेस्ड एक्सेस, सो यू डोंट गेट सेंट्रल बेनिफिट्स वंस यू आर आउट ऑफ यूर होम स्टेट. इसलिए अब सेंट्रल बेनिफिट्स भी जो है वो एक बार यदि कोई अपने स्टेट से बाहर चला गया तो उसको नहीं मिल पा रहे थे. तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज जो है और माइग्रेंट लेबरर्स के लिए ये बहुत अच्छी चीज है. अगर ये स्कीम अभी तक लागू हो चुकी होती तो अभी इतना माइग्रेशन शायद देखने को नहीं मिलता. ये कहा जा रहा है यहाँ जो लेखक हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि
ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करें आदमी, तो भी उसको सारी सुविधाएं मिले जो उसको अपने राज्य में मिलती हैं। सो इट टेक्स अबाउट 2 to 3 months टू गेट ए राशन कार्ड एट द नेक्स्ट प्लेस। अब उसको नई जगह पर जब राशन कार्ड लेने के लिए कम से कम 3 महीने, 2 से 3 महीने लगते हैं, तो तब तक जो है उसको दिक्कत आती है। सो फर्दर मोर टाइम टू स्टार्ट गेटिंग कमोडिटीज अगेंस्ट द सेम। After the implementation of the scheme, it would be ensured that a migrant is able to access the benefits which is due to him any part of the country. So this would be ensured on the basis of Aadhaar authentication and validated data. So उसको मिल सकता है अगर वो आसानी से कार्ड प्राप्त कर सकता है तो राशन भी प्राप्त कर सकता है, तो माइग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप समझ सकते हैं कि माइग्रेशन के जो प्रमुख कारण है वो क्या है। कर्बिंग करप्शन इन पीडीएस, हालांकि आप जानते हैं पीडीएस में बहुत ज्यादा करप्शन है और इतना आसान नहीं है कि पीडीएस के करप्शन को हम समाप्त कर दें, लेकिन ये थोड़ा कर्ब करेगा उसको। इससे बोगस राशन कार्ड और डुप्लीकेट राशन कार्ड और जो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं वो उनको रोकने में मदद मिलेगी। हालांकि इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स डाउट द स्केल ऑफ दिस क्लेम। ये जो माना जा रहा है कि इस स्केल पे ये सब रुक जाएगा, इसके ऊपर जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैं वो उसके साथ एग्री नहीं करते, लेकिन ये पॉइंट जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, ये वाली बात आपसे कई बार, फूड सिक्योरिटी के बारे में कई बार कही जाती है। 2011 के सेंसस में 81 करोड़ पीपल ऑफ द कंट्री अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बेस्ड ऑन द 2011 सेंसस। 81 करोड़ पीपल, 81 करोड़ जनता जो है इसके तहत आती है, और इसमें अंत्योदय फैमिलीज हैं जिनको कि 35 किलोग्राम मंथ में जो है वो अन्न मिलता है और 5 किलोग्राम फूड ग्रेन मिलता है, ये वाला एक मेंबर के हिसाब से। तो The government is also ensuring enough food stock in the country. Government ने ensure किया है कि हमारे पास काफी stock है। तो ये सारे points हैं जो बात करते हैं। अभी जो घटना हुई है, जो exodus आपको देखने को मिला, जो लोग निकले हैं सड़कों पे, उसके पीछे अगर one nation one ration scheme को अगर पालन किया जाता, one ration card scheme को, तो ये points जो हैं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद ये इतना बड़ा माइग्रेशन नहीं होता। द स्कीम विल एड टू द इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री एज वेयर पर्सन गोज ही विल बी एबल टू गेट फूड ग्रेन्स एट दैट प्लेस। जो जिस भी जगह पर वो जाएगा उसको वो मिल पाएगा, और न्यूट्रिशनल वैल्यूज ऑफ द पुअर कंज्यूमर्स ये भी एक चीज मिल जाएगी। ऐसा ही आपके मिड डे मील प्रोग्राम के साथ है। आप जानते हो आसानी से आंगनवाड़ी में और स्कूल में एडमिशन मिल जाता है, तो वो बहुत आसान हो जाता है। ऐसे ही सुकन्या समृद्धि योजना या लाडली लक्ष्मी योजना या ऐसी जो बहुत सारी राष्ट्रीय स्तर पर लड़कियों के लिए और छोटे बच्चों के लिए जो स्कीम है, ऐसे बीमा योजना भी होनी चाहिए, सोशल सिक्योरिटी भी होना चाहिए इनफॉर्मल सेक्टर के लिए, पुअर लैंडलेस लेबरर्स के लिए या माइग्रेंट लेबरर्स के लिए। चैलेंजेस क्या हैं, ऐसी जो स्कीम होती हैं इसके साथ क्या चुनौतियां होती हैं? तो सिंस द स्कीम इज बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, द गवर्नमेंट मे फेस सम टेक्निकल चैलेंजेस ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। टेक्निकल चैलेंजेस तो भारत में रहेंगे अभी, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन उतना नहीं है या टेक्निकल लिटरेसी नहीं है बहुत सारे लोगों में नहीं है। सो फ्यू रीजनल पार्टीज हैव एक्सप्रेस्ड अप्रिहेंशंस ऑन बेयरिंग द कॉस्ट ऑफ एडिशनल राशन कार्ड्स। तो जो भी एडिशनल
राशन कार्ड के ऊपर या जो भी एक्स्ट्रा जो खर्चा होगा उसको वो बियर करने के लिए तैयार है. दिस इज मैटर विच इज टू बी सेटल्ड बिटवीन द स्टेट्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो थोड़ा सा इशू है उसके बारे में, कॉस्ट के बारे में, या जो उसकी थोड़ा फाइनेंशियल जो इश्यूज हैं वो सॉल्व हो सकते हैं, वो आ सकते हैं स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट. वन ऑफ द अप्रिहेंशंस मेंशन्ड बाय फ्यू स्टेट्स इज द कॉस्ट ऑफ एडिशनल फूड ग्रेन टू बी सप्लाइड टू द माइग्रेंट वर्कर्स. उनको एडिशनल फूड ग्रेन दिया जाए क्योंकि वो अपने घर से बाहर हैं, घर पे खुद का कभी कभी कुछ होता है, कई बार थोड़ी छोटी जमीन होती है तो उससे कुछ उत्पादन हो जाता है, लेकिन चूंकि माइग्रेंट पीपल जो होते हैं वो बिल्कुल वर्कर्स जो होते हैं वो अपने घर से बहुत दूर होते हैं, इसलिए उनको वहां ज्यादा जरूरत पड़ेगी क्योंकि पूरा का पूरा वो पीडीएस पे निर्भर करेंगे. हाउएवर द होल सिस्टम इज बेस्ड ऑन द एंटाइटलमेंट्स मैंडेटेड अंडर द एनएफएसए, यानी ये सब फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ही होने जा रहा है. And this prevents the changes of additional cost. Beneficiaries will continue to pay the same issue prices that are fixed under the NFSA. So, Food Security Act के तहत जो prices fix की गई हैं, लगभग लगभग उसी prices पे लाभार्थी जो हैं beneficiaries उनको ये सब जारी किया जाना चाहिए. तो इसके बारे में कुछ कुछ challenges हैं जो solve किए जा सकते हैं, इतना बड़ा issue नहीं है सॉल्व करने लायक. सो वे फॉरवर्ड द फूड सिक्योरिटी स्कीम अंडर एनएफएसए कॉस्ट मोर देन 1,00,000 crore पर ईयर. अब ये 1,00,000 crore पर ईयर का कॉस्ट आता है फूड सिक्योरिटी का. इट इज वेरी एक्सपेंसिव बट इट इज हाईली नीडेड. अब 45,00,000 crore की आपकी 35,00,000 crore का आपका पूरा बजट आता है, 35 से 40,00,000 crore का पूरा बजट आता है, उसमें 1,00,000 crore जो है यदि आप फूड सिक्योरिटी पे लगाते हैं तो इतना ज्यादा नहीं है. देयर इज अ नीड टू एंश्योर दैट सब्सिडाइज फूड ग्रेन अल्टीमेटली गो टू द पर्सन और फैमिली दैट इज एंटाइटल टू. अब आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि आप भी तो तभी सुरक्षित रहोगे कि वो आदमी जहां है वहीं टिका रहे, वहां से उठ के चल देगा तो लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं रहेगा. तो आइसोलेशन तभी तो रख पाएंगे आप. तो ऐसे में जब कभी एपिडेमिक, पहले का पेंडेमिक आया हुआ है ये, तो ऐसे में हम उसका इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं कि उस आदमी का ये कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, यहाँ टिका क्यों नहीं रहता, यहाँ बैठा क्यों नहीं रहता. भाई उसके पास परिवार है, फैमिली है, अगर आप उसको सब्सिडाइज फूड ग्रेन दे देते हैं वहां पर तो 1,00,000 crore तो इस बात का. अब आपको महामारी फैलने से बचाना है तो 1,00,000 crore तो खर्च करना पड़ेगा, और अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर तैयार रहिए फिर इन्फेक्शन के लिए. सो द वन नेशन वन राशन कार्ड कुड शुड आल्सो इंक्लूड एक्सेस टू हेल्थ एंड अदर थिंग्स. तो ये इसलिए जरूरी है. दूसरा, आपको शहरों में जरूरी भी तो है, आपको ये लोगों की जरूरत भी तो पड़ती है मजदूर मजदूरी के लिए, नहीं तो आपके मकान कौन बनाएगा, बड़ी बड़ी इमारतें कौन खड़ी करेगा, उसमें काम कौन करेगा. आप तो अपना करियर बनाएंगे, आईएएस की तैयारी करेंगे, सब करेंगे, तो जो लोग हैं काम करने वाले वो तो शहरों में जाते ही इसलिए क्योंकि वहां उनको मजदूरी मिलती है, फिर आपके मजदूर महंगे हो जाएंगे. सो ये यूनिफाइड सिस्टम जो है, एक सर्विस प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ेगा. और इज द नीड ऑफ द आवर, ये आज की एक तत्काल आवश्यकता है. ये एक्ट था Interstate Migrant Workmen Act 1979. This act regulates the appointment of interstate migrant workers and provides for their conditions of service and for matters connected therewith. ये उसके बारे में बात करता था. इसमें appointment of registering officer, एक registration होता था, registration of certain establishment, prohibition against employment of interstate migrant workers without registration and appointment of licensing authority. इसमें उसका registration होता, appointment मिलता उसको licensing authority से. और ये इस तरह से interstate migrant worker किसके, कितने लोग, किस राज्य के, जैसे मध्य प्रदेश के लोग अगर दिल्ली में है, राजस्थान के लोग दिल्ली में है, बिहार के लोग दिल्ली में है, तो कितने लोग हैं उनकी संख्या आप निकाल पाते और किस contractor के पास है वो भी आप पता लगा पाते हैं, उसका रियल एड्रेस क्या है वो भी पता लगा पाते, तो आप उसको
अभी हेल्प कर सकते हैं आप, कौन आदमी कौन उठ करके आनंद विहार बस अड्डे चला रहा है पता ही नहीं चल रहा है। तो ये एक नुकसान है कि हमने इस एक्ट पे प्रॉपर काम नहीं किया। अगर इस पे प्रॉपर काम किया होता तो ये सब समस्या नहीं होती। दूसरा एक्ट था 2008 का, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। तो ये देखिए इस एक्ट में क्या कवर हो रहा था। इसमें था फॉर्मुलेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम, उन लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना, लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवर। अब कई बार क्या होता है कि ये जो मजदूर है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, ये काम कर रहे हैं, ये भैया कौन गड़बड़ कर रहा है, कहां गए पार्टिसिपेंट? मोहित जी सर, बंद नहीं कर पा रहे हो तुम, कपड़े धोने की आवाज आ रही तुम्हारी। चलो ठीक है। तो ये हेल्थ एंड मैटरनिटी बेनिफिट्स मिलना चाहिए था। अब आप जानते हैं कई जो लोग हैं वो लाइफ और डिसेबल हो जाते हैं, जिंदगी से चले जाते हैं, मर जाते हैं, कहीं ऊंचाई पे चढ़ा दिया, कहीं कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था बहुत ऊंचे 10वें माले पे चढ़ा दिया, 12वें माले पे चढ़ा दिया, अब वहां से गिर गया मजदूर, मर गया, अब उसका कोई कवर नहीं है, बीमा कवर नहीं है, या फिर वो अपाहिज हो गया हमेशा के लिए, पैर कट गया, उसका हाथ कट गया, अब वो काम भी नहीं कर पाएगा, उसको बीमा भी नहीं है। सो उसका सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत जो है उसको लाइफ और डिसेबिलिटी कवर मिलता है, हेल्थ और मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है, ओल्ड एज प्रोटेक्शन मिलता है, यानी कि एक तरह से पेंशन टाइप मिलता है, और एनी अदर बेनिफिट एज मे बी डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट और फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। जब भी गवर्नमेंट जो है कोई तय करेगी तो ऐसे लाभ जो है उनको मिलना चाहिए। चलिए पॉवर्टी लाइन, कल हम लोग पॉवर्टी लाइन नहीं किया था, गरीबी रेखा, गरीबी के बारे में बहुत सारी बातें की थी लेकिन पॉवर्टी लाइन की बात नहीं की थी। आज थोड़ी सी पॉवर्टी लाइन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट्स, मोर देन अ क्वार्टर ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया इज बिलो द पॉवर्टी लाइन। आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लिविंग इन द रूरल पार्ट्स ऑफ इंडिया, 25.7% इज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, वेयर एज इन द अर्बन एरियाज। सो अब ये जो सिचुएशन है, ये 13.7% ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। अब ये आप देखिए रूरल एरियाज में और जो अर्बन एरिया में है वहां कैसी सिचुएशन है कि गरीबी रेखा से नीचे। अब ये गरीबी रेखा का निर्धारण कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये कल के नोट्स में आपको मिल जाएगा, उसमें तेंदुलकर वाला फार्मूला भी है और अमर्त्य सेन वाला फार्मूला भी है कि गरीबी रेखा का निर्धारण कैसे किया जाता है। और पहले 5-ईयर प्लान और जो कमीशन होते थे तरह तरह के आयोग, वो उसके बारे में बताते रहते थे और गवर्नमेंट भी बताती थी, यहाँ तक कि इकोनॉमिक सर्वे में भी उसका वर्णन होता था। अब ये सब चीजें तो गायब हो गई है, डेटा जो है अब गवर्नमेंट कभी बाहर नहीं आने देती। अभी भी आप देखिए अधिकांश, आज भी हेडलाइन में डॉक्टर ने कहा है कि एक ने कि उनके सलाहकार ने कि हम लोग स्क्रीनिंग कर ही नहीं रहे, हम चेक ही नहीं कर रहे अभी, इसलिए तो हमारे नंबर कम आ रहे हैं, कोरोना के नंबर जो कम आ रहे हैं वो। अब हर चीज तो छुपाई जा रही है, कुछ भी हम चेक करते नहीं ढंग से, सब लोगों का टेस्ट कर किया जाए, अभी अभी पता चल जाएगा कितने लोग हैं, फिर उनका आइसोलेशन और उनका क्वारंटीन करना भी आसान हो जाएगा। अभी हम लोग कर नहीं पा रहे हैं, उसका सबसे ज्यादा नुकसान ये है कि जो है इन्फेक्शन वो फैलता जाएगा, आइसोलेट कैसे करेंगे, हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हम लोगों को ख्याल करना चाहिए, इसका आंकड़े छुपाने से बात नहीं बनती, आंकड़े जब तक आप छुपाओगे तब तक आपकी प्लानिंग फेल रहेगी। गरीबी के आंकड़े भी छुपाए गए हैं, गरीबों के आंकड़े छुपाने से क्या होगा, गरीबी थोड़ी खत्म हो जाएगी, गरीबी तभी खत्म होगी जब गरीबी खत्म करने के प्रयास किए जाएंगे, आंकड़े छुपाने से नहीं होगा। सो पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट्स जो है, कैलकुलेशन जो हम लोग करते हैं बीपीएल के लिए बोलते हैं ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे,
तो एस्टिमेशन नाउ कैरिड आउट बाय नीति आयोग टास्क फोर्स. अब देखो नीति आयोग शुरू कर रहा है थ्रू द कैलकुलेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन द डेटा कैप्चर्ड बाय द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मोस्टली. सो यह होता है नीति आयोग एज ए पॉलिसी थिंक टैंक हैज रिप्लेस प्लानिंग कमीशन विच वॉज अर्लियर रेस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेटिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया. पहले प्लानिंग कमीशन ही तय करता था, आपको पता है, वही बताया जाता, उसी के द्वारा बताया जाता था. सो कंजम्पशन वर्सेस इनकम लेवल. पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन का एक तरीका है इंडिया इज बेस्ड ऑन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड नॉट ऑन द इनकम लेवल्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस. क्या कारण है कि हम लोगों ने जो है इनकम लेवल के बजाय कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के ऊपर इसको ध्यान दिया. वेरिएशन इन इनकम, क्योंकि इनकम का तो बहुत सारा अंतराल है. इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल डेली वेजेस लेबरर्स इन हाईली वेरिएबल बोथ टेम्पररीली एंड स्पेशली. अलग अलग जगह के हिसाब से आके देखेंगे, अलग अलग समय के हिसाब से देखेंगे तो काफी अलग होता है. कंजम्पशन पैटर्न आर कंपेरेटिवली मच स्टेबल. क्योंकि कंजम्पशन तो सब लोग उतना ही करते हैं ना, कि आप कितने वॉट बिजली जला रहे हैं, कितना खाना खा रहे हैं, कितने आपके यहाँ आपका घर कैसा है, बच्चे स्कूल में जाते हैं कि नहीं जाते, प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं या गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, पब्लिक स्कूल में जा रहे हैं. तो ये सारी चीजें हैं. एडिशनल इनकम इवन इन द केस ऑफ रेगुलर वेज अर्नर्स देर आर एडिशनल साइड इनकम्स इन मेनी केसेस. कुछ लोगों में एडिशनल साइड इनकम होती है, इसलिए इनकम को वो नहीं दिया गया था, विच इज डिफिकल्ट टू टेक टू इन टू अकाउंट. तो कई बार एडिशनल इनकम लोग बताएंगे नहीं, गरीब बन जाएंगे, एक ही तरह के इनकम बता के गरीब बन जाएंगे. लेकिन कंजम्पशन में है कि वो गरीब नहीं बन पाएंगे ना, क्योंकि कंजम्पशन तो आप करोगे, अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप ज्यादा खर्च करोगे, ऐसा माना जाता है. इनकम आपकी ऐसा नहीं होता कि आपकी इनकम बहुत ज्यादा और खर्च आप बहुत कम कर रहे हो, ऐसा जनरली कम ही होता है. सो डेटा कलेक्शन इन केस ऑफ कंजम्पशन बेस्ड पॉवर्टी लाइन सैंपल बेस्ड सर्वे यूज है रेफरेंस पीरियड 30 डेज का. तो डेटा कलेक्शन जो है वो इसके तहत किया गया. तो जनरल कंजम्पशन, फिर की टर्म्स लिख लीजिए कुछ, ये नोट करने लायक है. पॉवर्टी अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, कल हमने दूसरी तरीके से आपको पॉवर्टी की डेफिनेशन बताई थी, ये एक और नई डेफिनेशन है. पॉवर्टी इज प्रोनाउंस्ड डिप्रिवेशन इन वेलबींग एंड कंप्राइजेस मेनी डायमेंशंस. इट इंक्लूड्स लो इनकम्स एंड द इनएबिलिटी टू एक्वायर द बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ द सर्वाइवल विद डिग्निटी. अब यहाँ वर्ल्ड बैंक जो वहां कल जो हमने बेसिक नेसेसिटीज की बात की थी, आधारभूत आवश्यकताओं की बात की थी, लेकिन आज जो बात हो रही है पॉवर्टी की, ये बिल्कुल अलग चीज है. यहाँ वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन जो है आपको एक बहुत बड़ी बात कर रही है, वो कह रही है सर्वाइवल विद डिग्निटी, यानी कि एक्वायर करें बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज को जो आवश्यक है किसके लिए, सर्वाइवल. ये एक सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए, सर्वाइवल विद डिग्निटी, डिग्निटी के साथ जिंदा रहने के लिए जिन आवश्यकताओं की, जिन चीजों की आवश्यकता होती है, जो मूलभूत गुड्स एंड सर्विसेज हैं, वो जो व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पा रहा है लो इनकम के कारण, वो गरीब है. तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये हमारा आर्टिकल 21 से मिलता है, जीवन जीने की स्वतंत्रता. आर्टिकल 21 बोलता है ना राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार. तो जीवन जीने की स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार, लेकिन किसके साथ, लाइफ विथ डिग्निटी, डिग्निटी के साथ जिंदगी जीना. सो पॉवर्टी लाइन में ये इंपॉर्टेंट है. पॉवर्टी लाइन क्या है, द कन्वेंशनल अप्रोच टू मेजरिंग पॉवर्टी इज टू स्पेसिफाई मिनिमम एक्सपेंडिचर और इनकम रिक्वायर्ड टू परचेस ए बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नेसेसरी टू सेटिस्फाई बेसिक ह्यूमन नीड्स एंड दिस मिनिमम एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड द पॉवर्टी लाइन. यहां पर जो आपको मिनिमम एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू परचेस ए बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नेसेसरी टू सेटिस्फाई बेसिक ह्यूमन नीड्स, तो मानव की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक गुड्स एंड सर्विसेज है उसका जो, उसको एक बास्केट का है, उन दोनों को जोड़ दिया है, उनको खरीदने की क्षमता
जब आ जाए इतना एक्सपेंडिचर करने की हिम्मत उसमें होनी चाहिए, उसको पॉवर्टी लाइन कहेंगे, वो रहेगी गरीबी की रेखा। मुझे लगता है दोनों आपने डेफिनेशंस लिख ली होंगी, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, पॉवर्टी एस्टिमेशन की जरूरत क्या है? इसकी जरूरत यह है कि पॉवर्टी एस्टिमेट्स आर नॉट जस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एकेडमिक पर्पसेस बट आर आल्सो क्रूशियल टू ट्रैक द इम्पैक्ट एंड सक्सेस ऑफ वेरियस गवर्नमेंट पॉलिसीज, एस्पेशली सोशल वेलफेयर स्कीम्स दैट आर इंटेंडेड टू एलिमिनेट पॉवर्टी। अगर गरीबी को दूर करना है आपको तो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, वेलफेयर स्कीम बनानी पड़ेंगी, सोशल वेलफेयर स्कीम बनानी पड़ेंगी, तो उसका सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट भी देखना पड़ेगा कि उसका समाज पर प्रभाव क्या हुआ है। तो ये सारी की सारी चीजें देखने के लिए आपको पॉवर्टी का एस्टिमेशन तो करना पड़ेगा। सो बीपीएल सेंसस इज कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द पुअर हाउसहोल्ड्स। तो कितने परिवार ऐसे हैं जो कि गरीब हैं, इन सब गरीब परिवारों का गणना करने का, उनकी पहचान करने का जो काम है वो काम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा किया जाता है। पॉवर्टी एलिमिनेशन प्लान, द पॉवर्टी एस्टिमेट्स इन द फॉर्म ऑफ पॉवर्टी लाइन आर यूज्ड टू फॉर्मुलेट पुअर सेंट्रिक पॉवर्टी। कल ये हमने नहीं बताया था आपको, तो आज ये आप लिख लीजिए। कल हम पॉवर्टी के ऊपर कुछ दूसरी चीजें जो है वो बता रहे थे, आज हम लोग पॉवर्टी लाइन और दूसरी तरह की बात कर रहे हैं। तभी हम पॉवर्टी को एलिमिनेट कर पाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट, पॉवर्टी एस्टिमेशन पेव्स द वे ऑफ पॉवर्टी एलिमिनेशन दैट इन टर्न प्रिपेयर्स द ग्राउंड फॉर अ जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी। तभी हम एक समाज ऐसा बना पाएंगे जो समतामूलक समाज होगा। तो समतामूलक समाज के लिए गरीबी का निवारण जरूरी है और उसके लिए पॉवर्टी का एस्टिमेशन भी जरूरी है। सो मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी लाइन, कल बात की थी एब्सोल्यूट पॉवर्टी की, कल आपको बताया था एब्सोल्यूट पॉवर्टी, निरपेक्ष गरीबी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब निरपेक्ष गरीबी। इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं? अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड समिट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर डेप्रिवेशन ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड्स including food, safe drinking water, sanitation facilities, health, shelter, education and information. तो जब व्यक्ति इन सबसे वंचित है, इनसे deprived है और severe deprived है, severely वो अगर deprived है basic human needs like food, safe drinking water, sanitation facilities, health, shelter, education and information also. इसलिए आपको पता है कि RTI right to information जो है, सूचना का जो अधिकार है उसको आर्टिकल 21 के साथ जोड़ा गया है, यानी कि सूचना जो है व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है, उसको सूचना मिलनी ही चाहिए, सूचना से आप उसको वंचित नहीं कर सकते। अगर आप किसी व्यक्ति को सूचना से वंचित करते हैं इसका मतलब आप उसकी हत्या करते हैं, आप उसकी जान लेने के बराबर है। सूचना से वंचित कर देना मतलब हत्या कर देने के बराबर है, बड़ा खतरनाक काम है। और ये चीजें अगर किसी के पास नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर मतलब सेफ वाला, सुरक्षित पीने का पानी, सैनिटेशन फैसिलिटीज उसके पास होनी चाहिए, इसलिए आपने शौचालय का निर्माण करवाया, तमाम लोगों के लिए हमने सरकार ने जो है सुविधाएं दी, पैसे दिए, 10,000 रुपए दिए, हालांकि वो बड़ा कम पैसा था। हेल्थ, शेल्टर, एजुकेशन, ये सब बहुत, ये अगर नहीं है तो डेफिनेटली ये जो पॉवर्टी होगी ये निरपेक्ष गरीबी होगी। इट डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन इनकम बट आल्सो ऑन एक्सेस टू सोशल सर्विसेज। इसलिए ये केवल इनकम की बात नहीं है, इन चीजों को एक्सेस कर पाया नहीं। पॉवर्टी लाइन, ऐसे में पॉवर्टी थ्रेशोल्ड, और ये पढ़ लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा क्या बोल रहे हैं। तो रिलेटिव मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी, कल बात की थी, फिर उसके बाद रिलेटिव
एब्सोल्यूट पॉवर्टी मेजरमेंट और पॉवर्टी आउट, ये जो इसका क्रिटिसिज्म होता है इस आधार पर होता है कि विद इन कंट्रीज और द हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग इन डेवलप्ड कंट्रीज, तो ये डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो इसकी बात करती है रिलेटिव पॉवर्टी. इट इज प्रेजेंट व्हेन अ हाउस होल्ड इनकम इज लोअर देन द मीडियम इनकम इन अ पर्टिकुलर कंट्री एंड इज यूज्ड मेनली बाय द डेवलप्ड कंट्रीज. तो ये सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्री विकसित कंट्री जो है उसको रिलेटिव पॉवर्टी को क्या है ये दोसो फॉल इन टू द कैटेगरी ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी और नॉट नेसेसरीली डिप्राइव्ड ऑल बेसिक नीड्स. उनका कहना है डेवलप्ड कंट्रीज में कि उसको बेसिक नीड्स सारी मिल रही हैं, उसको इस मामले में कोई नेसेसरीली डिप्रिवेशन नहीं है. बट मे नॉट एक्सपीरियंस द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज मेजोरिटी ऑफ सोसाइटी. ये देखिए विकसित देशों में रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा और इंफॉर्मेशन और उसको गरीबी नहीं बोला है, उन्होंने रिलेटिव पॉवर्टी की बात कर दी, सापेक्ष गरीबी की बात कर दी कि जो दूसरे लोग कर पा रहे हैं. यानी सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज द मेजोरिटी ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का जो बड़ा हिस्सा है, जो बड़ी जनसंख्या जिस प्रकार का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंजॉय कर रहा है, और इन अदर वर्ड्स दे आर रिलेटिवली डिप्राइव्ड. सो वो जो बड़ा हिस्सा जो एंजॉय कर रहा है बहुत सारी सुविधाओं को, उन सुविधाओं को कंपेरेटिवली रिलेटिवली वो दूसरा जो कमजोर हिस्सा है वो महसूस नहीं कर पा रहा, इसलिए ये रिलेटिव पॉवर्टी है, सापेक्ष गरीबी है. तो ये सापेक्ष गरीबी की अवधारणा हमारे यहाँ नहीं है, ये सापेक्ष गरीबी डेवलप्ड कंट्रीज में मानी जाती है, लेकिन भारत में भी अब ये समय आएगा कि हम सापेक्ष गरीबी की बात करें. सो डेटा कलेक्शन मेथड क्या होती है पॉवर्टी लाइन में, यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड, मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड, प्री इंडिपेंडेंस पॉवर्टी एस्टिमेशन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां से तो आपको ये काम कर जाएगा. आपने बॉम्बे प्लान वगैरह सबका आप यहाँ वर्णन कर पाएंगे. दादाभाई नौरोजी ने अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उस समय में बात की थी ₹16 और ₹35 पर कैपिटा पर ईयर, उस समय में ₹16 से ₹35 एक साल में कमाना. नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 में ₹15 से ₹20 पर कैपिटा पर मंथ, ये पर मंथ पे आ गए थे. फिर सुभाष चंद्र बोस के चेयरमैनशिप में जवाहरलाल नेहरू जब नहीं, फिर जो ये नेशनल प्लानिंग कमेटी जो बनी थी सुभाष चंद्र बोस के अंदर में और उसमें चेयरमैनशिप थी जवाहरलाल नेहरू की फॉर द पर्पज ऑफ ड्राइंग अप एन इकोनॉमिक प्लान, तब फिर बात हुई थी बॉम्बे प्लान, तब भी बात हुई थी. और फिर बॉम्बे प्लान के समय में पॉवर्टी लाइन बताई गई थी ₹75 पर कैपिटा पर ईयर, उसमें ₹75 पर कैपिटा प्रति व्यक्ति आए. तो ये पॉवर्टी लाइन जो है ये इसका एक हिस्ट्री है, इसको आप देखिएगा. कल बात की थी हमने पॉवर्टी के बारे में, डेफिनेशंस के बारे में, तो वो फिर से आपको रिवाइज करवा देते हैं. पर कैपिटा इनकम कंसेप्ट, किस किस तरीके से पॉवर्टी को हम डिसाइड करते हैं, तो एक तो पर कैपिटा इनकम कंसेप्ट है, दूसरा बेसिक नीड कंसेप्ट, ये कंजम्पशन बेस्ड हो जाएगा एक तरह से, ये आवश्यकता के हिसाब से, कंजम्पशन नहीं आवश्यकता के हिसाब से कि बेसिक नीड क्या है. सो वो जो नीड है वो यही है, सच नेसेसिटीज एज फूड, शेल्टर, स्कूलिंग, हेल्थ सर्विसेज, पोटेबल वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटी एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड इवन टचेज ऑन अपॉर्चुनिटीज फॉर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. कम्युनिटी पार्टिसिपेशन वाला भी आपको बताया था गरीबी के लक्षण में सबसे पहले लेक्चर की शुरुआत में. So inclusion of these indicators increases the magnitude, the scope of poverty estimates. So poverty estimates के लिए ये चीजें हैं. Calories concept है, Tendulkar समिति और इस समिति ने जो है तमाम प्रकार से जो आपको poverty line की definitions दी थी वो calories concept के base पे दी थी कि आप कितना calorie consume करते हैं, कितना calorie हम लोग खर्च करते हैं. तो ये rural के लिए अलग होगा, अर्बन के लिए अलग होगा, मेल के लिए अलग होता है, फीमेल के लिए अलग होता है. फिर अर्बन में भी जो वर्कर होते हैं, हार्ड वर्कर लेबर जो होते हैं वो उनके लिए अलग होता है, तो इनको आप पढ़ सकते हैं. फिर मेडिकल डेटा कंसेप्ट,
मेडिकल डेटा कंसेप्ट और फिर पर एडल्ट इक्विटेबल कंजम्पशन. तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. यह आपको नोट्स भेजा जा चुका है ग्रुप में और मेल पर, तो आप अपना चेक करिए. उसमें है, उसी में से निकाल के मैं यहाँ से आपको एडिट करके लाया हूँ. ये उसी का नोट्स है, इग्नू का नोट्स है बेसिकली. ई ज्ञान कोश पर जाकर के आप सर्च ऑप्शन में जाकर के ये सब सर्च करेंगे पॉवर्टी के ऊपर, तो आपको हिंदी इंग्लिश, तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं अपना हिंदी का नोट्स वहां से सर्च कर लें, आपको हिंदी में मिल जाएगा. मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी, तो अभी आपको बताया था मेजरमेंट का तरीका, तो ये नोट्स दूसरे हैं, इसलिए मैंने आपको यहां से आप पॉवर्टी लाइन डिसाइड कर सकते हो, पता कर सकते हो पॉवर्टी लाइन. 1993-94 में ये स्थिति थी, 211 रुपए थे. 1999-2000 में रूरल एरिया में ये था, पर कैपिटा पर मंथ 2-335 रुपए एक महीने में कमाने वाला गरीब है. बड़ा अजीब अजीब तरह के डेफिनेशंस थे. देखिए 335 रुपया महीना, उसको रूरल एरिया में गरीब माना जाए और शहरी इलाके में 451 रुपए वाले को गरीब माना जाएगा. क्या मजाक है भाई, 451 रुपया सन 2000 में. अब आप बढ़ा भी लेंगे तो भी ज्यादा से ज्यादा पूरे महीने की इनकम आप 1000 रुपया कर देंगे, और क्या करेंगे, 1500 कर देंगे. तो 1500 रुपया महीना कोई कमाएगा तो उससे क्या होगा, पर वो गरीबी रेखा से नीचे उसी को माना जा रहा है. लेकिन आप लोग जानते हैं 1500 रुपये महीने में क्या हो सकता है, परिवार वाला आदमी गृहस्थी का मान रहे हैं, पर कैपिटा प्रति व्यक्ति भी मान रहे हैं तो भी है ना. पॉवर्टी गैप की डेफिनेशन बनानी है आपको. ह्यूमन कैपेबिलिटी कैपेबिलिटी ह्यूमन कैपेबिलिटी की बात हुई थी. अमर्त्य सेन का कंसेप्ट था ह्यूमन कैपेबिलिटी. अटेम्प्ट्स टू मेजर पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ आउटकम और एंड्स, तो ये मैं आज करंट से जोड़ने की कोशिश करूंगा. बहुत सारे करंट के इश्यूज के साथ हम लोग जोड़ेंगे इन सब चीजों को. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन कौन सी चीजें आती है, ये तो यूपीएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है. हमेशा ये पूछा जाता है लेवल ऑफ एजुकेशनल अटेनमेंट, द लाइफ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेंसी यानी कि जीवन प्रत्याशा, और ये सब चीजें जो है ये आपसे हमेशा पूछी जाती है. तो ये एक कंपोजिट इंडेक्स होता है पर कैपिटा जीएनपी और इनके ऊपर. पॉवर्टी इंडिकेटर क्या क्या होते हैं, पॉवर्टी इंडिकेटर है ये प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन बिलो मिनिमम लेवल ऑफ डायट्री एनर्जी कंजम्पशन, कितना वो मिनिमम लेवल का डायट्री एनर्जी कंजम्पशन करता है सबसे कम. फिर पॉवर्टी गैप रेशियो कितना है, शेयर ऑफ पुअरेस्ट क्विंटाइल इन नेशनल कंजम्पशन. फिर प्रिवेलेंस ऑफ अंडरवेट चिल्ड्रन वो कैसा है. फिर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन बिलो ₹1 पर डे पीपीपी वैल्यू में, अब वो बहुत पुराना है ₹1 पर डे है ना. तो परचेसिंग पावर पैरिटी, जो ₹1 से कम खर्च करता हो पर डे का, बड़ी खतरनाक चीज. चलिए सो पॉवर्टी एंड मार्जिनलाइज ग्रुप्स, मार्जिनलाइज ग्रुप में कौन कौन आते हैं जिनकी पॉवर्टी की बात की, जेंडर के साथ मार्जिनलाइज में सीमांत में जेंडर आते हैं. तो कल अच्छे से हमने आपको बताया था सोशल के साथ में, सोसाइटी के साथ जोड़ करके, पॉवर्टी एंड सोसाइटी के साथ जोड़ करके बताया था. सो जेंडर एंड पॉवर्टी, मेल और फीमेल की जब बात करते हैं तब पॉवर्टी की बात की जाती है कि गरीब कौन रहा महिला और पुरुष में. सो फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, इसलिए इन रिसेंट ईयर्स द टर्म फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी इज यूज्ड टू डिनोट द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉवर्टी वेयर वुमन आर डायरेक्टली अफेक्टेड एडवर्सली एज अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस. महिलाओं का गरीब होना और महिलाओं को हाथ में खर्च करने के लिए पैसा नहीं होना, ये फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी हो गया. ये आधुनिक परिभाषा हो गई है आजकल, ये परिभाषा दी जाती है जहां गरीबी से सीधा अफेक्ट होती है महिलाएं. रूरल पुअर, रूरल डिस्ट्रेस, रूरल पुअर. फिर कास्ट एंड पॉवर्टी, फिर एथनिक माइनॉरिटीज एंड इंडिजिनस पॉपुलेशन. एथनिक माइनॉरिटीज कौन सी होती हैं, जो आदिवासी होते हैं, एथनिक रूप से. एथनिक मीन्स शारीरिक लक्षणों के आधार पर, प्रजातिगत लक्षणों के आधार पर, शारीरिक लक्षणों के आधार पर प्रजातिगत. अब एक होती हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज,
एक होते हैं रिलीजियस माइनॉरिटीज, एक होते हैं एथनिक माइनॉरिटीज। अब जो आदिवासी होते हैं उनके शारीरिक लक्षण इस प्रकार के होते हैं कि उनका कद कई बार छोटा होता है और रंग काला होता है, लुंगराले बाल होते हैं। बौद्धिक क्षमता के मामले में अगर आप अभी ऐसे बात कर देंगे कि आदिवासियों की बौद्धिक क्षमता कम होती है तो आपके ऊपर केस लग जाएगा, लेकिन डेफिनेटली अगर आप उनको देखेंगे तो कई सारे देश ऐसा मानते हैं कि अफ्रीका के लोगों का ब्रेन साइज कम होता है, ये आदिवासी जो होते हैं उनका सिकड़ा हुआ ब्रेन होता है, छोटा क्रैनियल कैपेसिटी होता है। तो क्रैनियल कैपेसिटी तो छोटा होता है निग्रोइड में, जो काले लोग होते हैं। निग्रोइड जो प्रजाति है, रेस है, उसका क्रैनियल कैपेसिटी कम होता है, ये बात तो सही है, लेकिन क्रैनियल कैपेसिटी कम ज्यादा होने से ही व्यक्ति बुद्धिमान होगा नहीं होगा। लेकिन इंडिजिनस पॉपुलेशन जिन्हें आदिवासी कहते हैं वो एथनिक माइनॉरिटीज होते हैं, तो उनके अंदर सो पॉवर्टी एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट, कल भी बात की गई थी कि जो गरीब है वो फिर वनरेबल है, वनरेबल होने की वजह से उसके साथ बहुत सारे जो है एक्सप्लोइटेशन होता है, और उसके कारण एक्सप्लोइटेशन होने के कारण फिर वो जब कभी आवाज उठाता है तो फिर समस्या खड़ी हो जाती है, उसी को हम नक्सलिज्म भी कहते हैं। नक्सलिज्म के अपनी बुराइयां और है, उनकी अपनी समस्याएं भी है, नक्सलिज्म ने बहुत सारी समस्याएं भी खड़ी की, लेकिन वल्नरेबल सेक्शन होने के कारण उन फैमिलीज को जो पुअर है उनको दिक्कत आती है और ये सेगमेंट हमेशा परेशान रहता है। तो इस वजह से इन लोगों को जब कभी ऐसी आवाज उठानी पड़ती है तो उसी को हम वर्ग संघर्ष नाम दे देते हैं, सोशल कॉन्फ्लिक्ट यानी कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट, जो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि आगे जाके वर्ग संघर्ष होगा, पॉवर्टी एंड एक्सक्लूजन। सो ये कुछ डेफिनेशंस हैं जिनको आप लोग देखिएगा। एक्सक्लूजन क्या होता है? इकोनॉमिक एक्सक्लूजन रेफर्स टू डिनायल और टू ऑफ एक्सेस और टू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड सोशल, यानी इकोनॉमिक एक्सक्लूजन का मतलब ये हो जाएगा कि वो एक वर्ग को मना किया जा रहा है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज से, और सोशल एक्सक्लूजन का मतलब हो जाएगा सामाजिक बहिष्कार हो गया एक तरह से, रेफर्स टू एक्सक्लूजन फ्रॉम द पार्टिसिपेशन एम्पावरमेंट एंड सोशल राइट्स। उसको सामाजिक अधिकार नहीं होंगे, सामाजिक रूप से वो सशक्त नहीं होगा, सामाजिक रूप से सहभागिता नहीं हो पाएगी। इनइक्वलिटी, कल आपको बताया था पॉवर्टी और इनइक्वलिटी, पॉवर्टी की डेफिनेशन में क्या बताया था? तो ये डेफिनेशन मुझे लगता है जो लोग कल नहीं लिख पाए तो जल्दी से लिख लीजिए, 2 मिनट का समय दिया जा रहा है आपको, आप लिख लीजिए इसको।
तो ये आपने लिखा होगा, इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में बात की थी कल, आपको बताया था इनफॉर्मल सेक्टर को चार ग्रुप में, ऑक्यूपेशन, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, स्पेशली डिस्ट्रेस्ड कैटेगरी, सर्विस कैटेगरी, इस प्रकार से कैटेगरीज जो हैं आप डिवाइड कर सकते हैं। आप इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में जब कभी भी आप लिखना चाहते हैं तो ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, यानी कि अनौपचारिक क्षेत्र जिसे हम कहते हैं, इन वर्कर्स की क्या विशेषताएं होती हैं, फिर इनफॉर्मल सेक्टर के साथ में क्या प्रॉब्लम्स होती है, कल आपको बताई थी क्रेडिट क्रंच होता है, ऋण की समस्या होती है, लैक ऑफ एजुकेशन एंड स्किल ट्रेनिंग, इनके पास एजुकेशन और कौशल विकास नहीं होता, वो फुली पुअर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इनके पास ज्यादा अच्छे से कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होता, लो कैपिटल फॉर्मेशन होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम होता है, लो इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, लैकिंग ऑफ सोशल प्रोटेक्शन, इनके पास किसी प्रकार का सामाजिक सुरक्षा नहीं होती, इनएफेक्चुअल लिंकेजेस विद द फॉर्मल सेक्टर, औपचारिक क्षेत्र के साथ में इनके जो संबंध होते हैं वो उतने मजबूत नहीं होते, उतने प्रभावी नहीं होते। तो इनफॉर्मल सेक्टर से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें थी, फिर भी इनके लिए जो प्रोग्राम पॉलिसीज गवर्नमेंट ने जारी किए उसमें फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, फिस्कल इंसेंटिव्स, जनरल इंसेंटिव्स, स्पेशल इंसेंटिव्स इन बैकवर्ड एरियाज, रिजर्वेशन ऑफ आइटम्स फॉर SSI, तो ये सारी चीजें हैं। बहुत सारे ऐसे मिनिस्ट्री के द्वारा चलाए जाने वाले सपोर्ट प्रोग्राम्स हैं, वो हैं। सोशल सिक्योरिटी मेजर्स हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स के लिए, जैसे यही वाले, इन्हीं का डिटेल दिया हुआ है, देखिए ये आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, मैं आपको स्क्रीनशॉट के लायक बना देता हूं इसको, इसका स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। इसका लिया जा सकता है, इसका लिया जा सकता है, तो ये स्क्रीनशॉट जो है ये आपके काम करेंगे, ये ले लीजिए, इग्नू के नोट्स हैं, वैसे ऐसा आपको मिल जाएंगे, दोनों मीडियम में मिल जाएंगे, इसलिए इतनी बड़ी समस्या नहीं है। ये आ गया जो बताया गया था अभी आपको, नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइजेस इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, इसी ने उस एक्ट के लिए जो है रिकमेंड किया था। तो कौन कौन से, तो ये वाली चीजें हैं, क्या रिकमेंड करता है ये NCUS, ये नेशनल कमीशन, क्रिएशन ऑफ ए सोशल फ्लोर, एक सोशल फ्लोर बनाना पड़ेगा, स्किल इंफॉर्मेशन फॉर द इनफॉर्मल वर्कर्स एज क्रिटिकल कैपेबिलिटी टू एनहांस देयर प्रोडक्टिविटी एंड इनकम, स्ट्रेंथनिंग ऑफ मनरेगा, वो बताता है मनरेगा को आपको और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, क्योंकि आप स्ट्रेंथन नहीं करेंगे इसको तो फिर रूरल एरिया में जो है बहुत दिक्कत आ जाएगी, और एग्रीकल्चरल रिजनरेशन, तो अभी आपने ऊपर जो जितनी भी चीजें देखी है वही सब उन्हीं का आगे का स्वरूप है, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस इन द नॉन फार्म सेक्टर विद ए फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ क्लस्टर्स एंड ग्रोथ पोल्स। चलिए आगे बात करते हैं, एक अलग आर्टिकल है ये जो बता रहा है कि डीप वॉइड इन ग्लोबल लीडरशिप, ग्लोबल लीडरशिप का एक समय है,
ये क्या चीज है, क्या कहना चाह रहे हैं? सो उन्होंने बता रहे हैं अभी कि अभी बहुत अच्छा मौका था मोदी के लिए भी कि वो ग्लोबल लीडर बन जाते हैं, लेकिन अभी तो अपने ही देश पे आ पड़ी है तो कहाँ ग्लोबल लीडरशिप के बारे में सोच पाएंगे। सो टोटल वर्ल्ड इन ग्लोबल लीडरशिप अभी कुछ है नहीं, देखने को नहीं मिल रहा कहीं पर भी एक वैश्विक नेतृत्व क्या है। सो राइट इन टू दिस पेंडेमिक द वर्ल्ड इज विटनेसिंग ए वॉइड इन ग्लोबल लीडरशिप। द वायरस इज किलिंग विदाउट मर्सी बट देर इज नो कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल प्लान लेड बाय लीडर्स टू फाइट इट। अभी आपको कोई भी, अमेरिका ने भी अपने बॉर्डर सील कर लिए और वो अमेरिका वाला बोल रहा है हम अमरीकियों को बचाएंगे और अमरीकी 2 लाख मर जाएंगे, 2 लाख से ज्यादा नहीं मरने चाहिए, ये ट्रंप के बयान है, और हमने ख्याल नहीं रखा तो 22 लाख मर जाएंगे। तो अपने अमरीका का रोना रो रहा है तो फिर ग्लोबल कहाँ हुआ? जर्मनी अपने में लगा हुआ है, चाइना अपने में लगा हुआ है, चाइना को वैसे भी इमेज खराब हो गई है, कोई भी ग्लोबल लीडर नहीं बनाना चाहता। मोदी जी ने सार्क मीटिंग ले ली है, सार्क लीडर्स की, तो कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है दुनिया में। तो अभी G20 वाला अभी एक बैठक हुआ था, द वर्चुअल मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई थी। तो G20 कमिटेड 5 ट्रिलियन टू स्टिमुलेट वर्ल्ड इकोनॉमी, $5 ट्रिलियन। और बट इकोनॉमिक स्टिमुलस इज, अब उन्होंने कहा हम $5 ट्रिलियन देंगे, बट इकोनॉमिक स्टिमुलस इज वन स्मॉल पार्ट ऑफ द बिग बैटल अगेंस्ट COVID-19। दरअसल इकोनॉमिक स्टिमुलस देने से बात नहीं बनेगी ना, दिस इज ए गुड वॉर अगेंस्ट ए बैड एनिमी। ये ठीक है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, एंड ए कॉमन एनिमी, दैट्स रेस्पेक्ट नो बॉर्डर्स। अब ये ऐसा शत्रु आया हुआ है जो कॉमन एनिमी है और बैड एनिमी है, उसके लिए अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं आप, तो अच्छी बात है। 5 ट्रिलियन से क्या होगा, और इकोनॉमिक स्टिमुलस से बात नहीं बनेगी, ये किसी देश की सीमाओं को नहीं देख रहा है COVID-19। What's going on? Leaders are stuck in their own national struggles. सब अपने अपने देश में स्ट्रगल कर रहे हैं, जितने भी लीडर्स हैं जो वर्ल्ड लीडर्स कहे जाते थे, एंड देट आर नॉट व्यूइंग द पेंडेमिक एज ए चैलेंज टू mankind. कोई भी मानवता के खिलाफ चुनौती को नहीं देख रहा है, कोई भी ये नहीं देख रहा कि जो पेंडेमिक आया हुआ है ये मानवता के खिलाफ चुनौती है। दरअसल हर व्यक्ति इसको अपनी राष्ट्रीय समस्या के रूप में देख रहा है और अपने नेशनल स्ट्रगल के रूप में देख रहा है। सो चाइना डिलेड इट्स वायरस रिपोर्टिंग टू WHO। चाइना ने तो गलती कर दी, उसने WHO को रिपोर्ट ही लेट किया एंड मेड द क्राइसिस फार वर्स, इस वजह से ये सारा संकट इतना घटिया हो गया। सो ट्रंप डिडंट इन्फॉर्म EU बिफोर शटिंग ऑफ द फ्लाइट्स फ्रॉम यूरोप। यूरोप से जो उसने अपनी फ्लाइट्स को बंद किया उसने इन्फॉर्म नहीं किया। मोदी कन्वेंट ए वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑफ सार्क लीडर्स टू मोटिवेट एवरीवन। तो वो सार्क लीडर यानी रीजनल लीडर, मोदी जो है वो रीजनल लीडर, भारत जो है रीजनल लीडर तो है ही सार्क कंट्रीज में, साउथ एशियन का जो हमारा रीजनल कोऑपरेशन वाला जो बात करते हैं हम लोग, दक्षिण एशियाई सहयोग दक्षेस, तो इसके तो हम रीजनल लीडर पहले से हैं, बल्कि हमने स्टेटस खोया है अभी इन दिनों। तो उन्हीं से हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस किया तो हमने कोई बहुत बड़ी बात नहीं की। बट टूडे देर इज नो साइन दैट द पेंडेमिक इज स्लोइंग डाउन वर्ल्ड वाइड। Why shutdowns are not a solution? Nations would not be able to contain this trouble by lockdowns and shutdowns alone. So nations jo hain wo isse isko contain nahi kar payenge. Even rich nations are finding physical distancing tougher to maintain. Jo rich nations hain unko apna physical distancing nahi karna aa raha hai. And in populous countries it would be impossible. The cost of lockdowns is terrible, social and economic. लॉकडाउन का जो कीमत चुकानी पड़ेगी वो सामाजिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। द मोमेंट इंटरनेशनल ट्रेवल रिस्टार्ट द वायरस में सिंपली रिस्टार्ट इट्स जर्नी। अगर जिस दिन हाँ आप इंटरनेशनल ट्रेवल रिस्टार्ट करोगे तो उस दिन वायरस फिर से अपना जर्नी स्टार्ट कर देगा, रिस्टार्ट कर देगा। बहुत आसान है कि वायरस भी जो है वो आपके साथ साथ इंटरनेशनल ट्रेवल करेगा। So it is only when herd immunity develops that the world will become much safer. Herd immunity के बारे में concept मैंने आपको पहले बताया था, immunity की जब बात की थी तब, कि group immunity क्या होती है, herd immunity क्या होती है, जब पूरा समुदाय immune हो जाता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। 50% world population getting infected, जब 50% से ज्यादा population दुनिया की infected हो जाएगी
ये तो मतलब 800 करोड़ लोग हैं दुनिया में, मान लिया जाए तो 400 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो जब इन्फेक्टेड हो जाएं तब हर्ड इम्यूनिटी आएगी. सो कोविड-19 इज द थर्ड पेंडेमिक सिंस 2000. इट वुड नॉट बी लास्ट. ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल आखिरी है, इसके बाद फिर और कोई वायरस नहीं आएगा. ये दरअसल तीसरा पेंडेमिक है सन 2000 के बाद. सो टू प्रॉब्लम्स इन ग्लोबल सिस्टम. द पास्ट 10 ईयर्स हैव सीन द वर्ल्ड पॉलिटिकल सिस्टम बीसेट विद टू इश्यूज. क्या है? पहला, राइट विंग नेशनलिज्म. पूरी दुनिया में राइट विंग नेशनलिज्म आया है कि मेरा कंट्री, मैं खास आदमी. और राष्ट्रवाद की भावना किस प्रकार का? राइट विंग वाला, लेफ्टिस्ट वाला नहीं, साम्यवाद वाला नहीं, बराबरी की बात करने वाला नहीं, पूंजीवादी वाला. दिस हैज स्वेप्ट द वर्ल्ड एंड एनी ग्लोबल गुड इज सीन एज अ चैलेंज टू नेशनल इंटरेस्ट. When Trump pulled the US out of the Paris climate deal, the problem became evident. आपने देखा 2016 में जब ट्रंप ने जो है वो पेरिस क्लाइमेट डील जो है उससे अपने आप को बाहर किया था, तो क्या हुआ था? ये एक तरह से ये इसका एक उदाहरण है कि राइट विंग नेशनलिज्म का. दूसरा, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस वीकेन. जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस थे वो कमजोर हुए हैं, जैसे कि UN. After the Second World War, the UN came into being to prevent a Third World War. तो UN को तो यही माना जाता है कि उसने एक तरह से Third World War, तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने दिया. Sadly, the UN stands badly weakened now. अभी तो UN जो है United Nations बहुत बुरी स्थिति में, बहुत कमजोर है. And the WHO, a UN body, has been slow in responding to health emergencies, COVID-19. अभी आप हेल्थ इमरजेंसीज के लिए जो है अब इन्होंने यूएन डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर ही नहीं किया इसको उस समय पेंडेमिक. उसको बहुत पहले जो है हेल्थ इमरजेंसी लगा देनी थी. COVID-19 क्राइसिस शोड इट टू बी इनकॉम्पिटेंट एज वेल एज लैकिंग इंटीग्रिटी. अब इसके ऊपर आरोप लगे ही हैं. आप जानते हैं कि WHO के ऊपर आरोप लगे हैं कि वो दबाव में काम कर रहा है शी जिनपिंग के. पता नहीं क्यों डर रहा है. कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि शी जिनपिंग ने जो है मदद की थी इथियोपिया में, और इथियोपिया से आते हैं WHO के जो डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, और वो एक तरह का एहसान हो गया इथियोपिया में, और उसी का नतीजा ये है कि वो डरे हुए हैं और उन्होंने एक एहसान इस तरह से चुकाया. सो कैन G20 डिलीवर? अभी G20 की बैठक हुई है. तो टू टेकल ए COVID-19 लाइक क्राइसिस द वर्ल्ड नीड्स ए स्मॉल फास्ट एंड अनब्यूरोक्रेटिक अप्रोच. दरअसल ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच तो बहुत डिले कर जाएगी, ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच से बात नहीं बनेगी, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच जो होती है वो बहुत रेट एपिज्म होता है, उसमें धीमापन होता है. सो द G20 कैन ट्राई टू डू इट रैपिडली. G20 को जो है वो कर सकता है, थोड़ा तेज गति से काम कर सकता है. बट द राइट स्ट्रेटजी, रैपिड रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन एंड टाइमली एक्शन विल बी नीडेड. तो टाइमली एक्शन जो है वो लिए जाने चाहिए. कलेक्टिव एक्शन पॉइंट्स, हियर इज अ अप्रोच प्लान. तो ये 6 अप्रोच प्लान दिए गए हैं, क्या कलेक्टिव अप्रोच प्लान होने चाहिए, एक्शन पॉइंट्स होने चाहिए जो सभी देशों को मिलकर के लेना चाहिए. सभी लोग एक साथ मिलकर के अगर इसका मुकाबला करें तो फर्स्ट, ऑल नेशंस मस्ट बी हेल्प्ड टू गेट इन अप ड्रग्स, मेडिसिन, प्रोटेक्टिव गियर टू कंटेन COVID-19, अदरवाइज एवरीवन एल्स will eventually suffer. सभी को एक साथ फिर उसका भुगतान करना पड़ेगा. Nations like Japan, China, South Korea have the ability to step up production. इसका production करना चाहिए, medicines का, drugs का, protective gears का. Build a non-bureaucratic common global information exchange. और bureaucratic common global information exchange करना चाहिए. की भी थी पहले भी की थी. नॉर्मन बोरलॉग जो है वो इंडिया आ गए थे, हरित क्रांति करवा के चले गए थे, डॉक्टर स्वामीनाथन के साथ जुड़े थे उस समय में. और उससे पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं भारत के साथ जुड़े रहे हैं. इंटरनेशनल कोलेबोरेशन जो है वैज्ञानिक स्तर पर होना चाहिए, सूचनाओं के स्तर पर होना चाहिए. सूचनाओं का आदान प्रदान, ज्ञान का आदान प्रदान अगर वैश्विक स्तर पर नहीं होगा तो फिर हम इतने बड़े पेंडेमिक से, इतने बड़ी आपदा से शायद नहीं लड़ पाएंगे. इससे लड़ना है तो हमको ये करना पड़ेगा. सेकंड, बिल्ड अ सप्लाई चेन फॉर एसेंशियल गुड्स टू कीप वर्किंग एफिशिएंटली. सिंस ग्लोबल ट्रेवल बैन्स आर इन प्लेस, तो ग्लोबल ट्रेवल को तो हमने बंद कर दिया है
So this is all the more essential. Third, share all true information about clinical successes in fighting the virus. जितनी भी clinical successes मिली हैं उन सबको हम सबको एक दूसरे के साथ जो है share करना चाहिए, एक country को दूसरे country के साथ. SCQs, hydrochloroquine drug related developments as an example can help everyone. तो हमने कल भी बात की थी कि रेटोनेविर, लोपोनेविर जो HIV के ड्रग्स हैं उनको माना गया है कि ये शायद इसको रोक पाएंगे. कल कोलेरा की डिजीज उसके बारे में भी बात की थी. SCQ जो मलेरिया की वैक्सीन है उसको, मलेरिया की जो दवाई है उसके बारे में भी बात की जा रही है. लेकिन हमको वैक्सीनेशन पर भी ध्यान देना पड़ेगा जो कि लॉन्ग टर्म है. उस पर भी टेक्निकल नॉलेज और जो हमारे जितने भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर करनी पड़ेगी एक कंट्री को दूसरे कंट्री के साथ में. So though there is no substitute for classical clinical proof, अभी इसको नहीं लेना चाहिए क्योंकि अभी इसका क्लिनिकल ट्रायल इस रूप में नहीं हुआ है. इसलिए केवल ट्रंप ने जो है वो घोषणा कर दी थी कि क्लोरोक्विन जो है वो कर रही है, SCQs जो है वो शायद इसको रोक रहा है, तो बहुत सारे लोगों ने खा लिया तो उसके साइड इफेक्ट भी सामने आए. फोर्थ, गो फॉर क्रॉस कंट्री कोलेबोरेशन ऑन लैब ट्रायल्स एंड क्लिनिकल वैलिडेशन फॉर वैक्सीन्स एंड एंटीवायरल ड्रग्स. The pandemic may take a comeback once shutdowns are relaxed. अगर आपने shutdown relax किया, ये जो lockdown है relax होगा, तो शायद फिर से comeback कर जाए pandemic. Fifth, allow health professionals easy movement across the world to train others. अब health professionals जो है अच्छे doctor हैं, senior doctors हैं, उनको training के लिए movement कराना चाहिए पूरे world में, दूसरों को train करने के लिए. Sixth है, food shortage may happen as part of national shutdowns. So even after saving people from the virus, deaths from starvation need to be avoided at all costs. जब कभी आप shutdown जो है वो करेंगे तो definitely इस प्रकार के lockdown से खाने की समस्या आ सकती है, food grain की problem आ सकती है. तो हमको उसको किसी भी कीमत पर उसको avoid करना चाहिए. इस प्रकार की कोई भी मृत्यु नहीं होनी चाहिए जो कि खाने की कमी से हो जाए, स्टार्वेशन से हो जाए. अगर ऐसा हो जाएगा तो शायद हमने वायरस से बचा लेंगे लेकिन हम भूख से नहीं बचा पाए, तो फिर ये एक और नुकसान हो जाएगा. सो एंड देन विल कम द इकोनॉमिक डिवास्टेशन. तो वो तो आएगा ही, वो तो इकोनॉमिक डिवास्टेशन तो आने ही वाला है. सो द वर्ल्ड नीड्स ग्लोबल लीडरशिप लाइक नेवर बिफोर. अभी तक जो कभी नहीं हुआ ऐसी ग्लोबल लीडरशिप की आज के जमाने में आवश्यकता है. पूरी दुनिया को एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो अभी तक नहीं हुआ. एज द वायरस कंटेनमेंट एफर्ट शुड नॉट लीड टू अ स्टार्वेशन लाइक सिचुएशन और कोलैप्स ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी. ऐसी जो वर्ल्ड इकोनॉमी के कोलैप्स होने की और भूखमरी की सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आई. और ये आई है तो ऐसे में वैश्विक नेतृत्व की भी आवश्यकता है और विश्व नेतृत्व इस समय में अगर आता है तो. चलिए, एक कंसेप्ट है हर्ड इम्यूनिटी का. हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? ग्रुप में इम्यूनिटी. ग्रुप में इम्यूनिटी जो है, हर्ड इम्यूनिटी को आप, मैंने पहले पढ़ाया हुआ है क्लास में जब हमने वैक्सीनेशन पढ़ाया था बायोटेक्नोलॉजी में, और हेल्थ पढ़ा रहा था मैं तब आपको हर्ड इम्यूनिटी पढ़ाया था. तो आप विकिपीडिया पे जाकर के डायग्राम देखेंगे तो आपको हर्ड इम्यूनिटी बहुत मुश्किल से विकसित होती है. ये उसका एक डायग्राम है जिसमें ये जो ब्लू कलर के, इसमें गूगल पे मिल जाएगा आपको ये विकिपीडिया में, ये हेल्दी और नॉन वैक्सीनेटेड लोग हैं. ये वाले जो सारे दिखाई दे रहे हैं, ये जो येलो दिख रहा है ये आपको हेल्दी और वैक्सीनेटेड है. ये हेल्दी तो है लेकिन नॉन वैक्सीनेटेड है. और ये कॉन्टाजियस है, नॉट वैक्सीनेटेड है और कॉन्टाजियस है. अगर इफ ओनली सम गेट वैक्सीनेटेड, अगर केवल कुछ लोग वैक्सीनेटेड होंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी, तो वायरस इजीली स्प्रेड हो जाएगा. तो वायरस इसमें आया और यहाँ आया, वो पूरे में सब में फैल जाएगा. बहुत कब दिक्कत आएगी क्योंकि ये जो वैक्सीनेटेड है ये बच जाएगा बस, और एक आध और कोई बच पाएंगे, बाकी नहीं बच पाएंगे. लेकिन इम्यूनाइजेशन अगर हो गया तो इम्यूनाइजेशन होने से क्या होगा कि जो एक व्यक्ति में आया तो इफ मोस्ट गेट वैक्सीनेटेड द वायरस इज कंटेंट, तो वायरस केवल यही रह पाएगा बस, है ना. तो ऐसे में
ये जो इम्यूनिटी आती है ये हर्ड इम्यूनिटी आती है। तो एक इम्यूनिटी तो इस तरह से आती है हर्ड इम्यूनिटी कि लगभग 50% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेटेड हो जाए या अपने आप में वो इम्यून सिस्टम डेवलप कर ले। तो 400 करोड़ लोग जब इन्फेक्टेड हो जाएंगे तो शायद हमारे ह्यूमन बींग्स जो है हम लोग उसको इम्यूनाइज कर जाएंगे। तो ये जो इम्यूनिटी होगी ये हर्ड इम्यूनिटी कहलाएगी और ये इस प्रकार से काम करती है, यानी कि समूह का विकसित होना हर्ड इम्यूनिटी, समूह का इम्यूनिटी के रूप में विकसित होना। चलिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता, अगला आर्टिकल देखते हैं। अभी जो रेट कट आए हैं इसके क्या इम्प्लीकेशंस है, इसके क्या फायदे हैं। इकोनॉमिक डिसरप्शन अराइविंग, अभी आपने आरबीआई का रेट कट देखा है ना क्वार्टर वाला, अभी आपने देखा है कि क्या रिपोर्ट जारी की है, क्या क्या छूट दी है। तो ये कितनी सहूलियत लेके आएगा, ये कितनी हम लोगों के लिए फायदा लेके आएगा। सो इकोनॉमिक डिसरप्शन अराइविंग द हेल्थ साइड असाइड इंडियन इकोनॉमी विल लाइकली फेस मैसिव डिसरप्शंस इन कमिंग वीक्स। The RBI's massive rate cuts are supposed to tackle precisely this. It has tried ensuring liquidity. इससे liquidity आएगी, थोड़ा सा पैसा बढ़ेगा, बैंक जो है वो उधार दे पाएंगे या बैंक अपना पैसा रिलीज कर पाएगा, लोग अपना पैसा निकाल पाएंगे। Creating forbearance on financial front. अब forbearance जो है वो financial front पर develop हो पाएगा कितनी हो पाएगा ये समय बताएगा। एंड गिविंग मॉरिटोरियम फॉर लोन रिपेमेंट्स, अब थोड़ा सा टाइम दिया है गवर्नमेंट ने कि आप लोन रिपेमेंट जो है वो 3 महीने बाद कर दीजिए, आप अपना ईएमआई देर से कर दीजिए। तो 2008 में भी ऐसा क्राइसिस आया था, फाइनेंशियल क्राइसिस, जिस समय में ऐसी दिक्कतें आई थी और गवर्नमेंट ने आरबीआई ने इस तरह से छूट दी थी। लेकिन 2008 एंड वर्सेस 2020 दोनों में बहुत डिफरेंस है। 2008 अलग चीज थी। The crisis in 2008 also evoked similar RBI response, but back then the workforce was willing to put in the hours needed. अब यहाँ जो हम लोगों को जो काम करना है बहुत जल्दी करना है। Today social distancing has changed the entire equation. अभी social distancing भी साथ साथ चल रहा है। 2008 के क्राइसिस में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं था, केवल इकोनॉमिक क्राइसिस था। सो लिक्विडिटी क्राइसिस 2008, द आरबीआई हाइक्ड इट्स रेपो रेट इन 2008 टू 4.75% टू फाइट लिक्विडिटी इश्यूज। तो उस समय में केवल लिक्विडिटी इश्यूज थे तो वो हम फाइट कर पाए। फिस्कल मेजर्स ऑल्सो केम इन एंड फाइनली जीडीपी ग्रोथ इज रिस्टार्टेड। Method may not work in 2020. Repo rate cuts may not lead to higher lending. As where will borrowers come from? Labor disruptions will scare away any capex. तो अभी तो जो स्थिति है वो उस समय में labor disruption और वो सब चीजें नहीं थी, लेकिन हमारे यहाँ जो problem है अभी labor disruption भी है। So RBI's business expectation index it is at 12 month low and will drop further. अब बताइए, पहले से economic slowdown चल रहा था, repo rate cuts have not anyway lead to capex growth. तो केवल जो है capex growth, repo rate का cuts जो है वो आपको capex growth नहीं दे सकता। It did not push non food credit growth either. और ये जो है ये वाली non food credit growth जो है वो थोड़ी सी कर न कर पाएगा। ड्रॉप इन MCLR, अब ये MCLR का आपको कंसेप्ट बताया था, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, MCLR एंड चीपर होम लोन्स टू मेनी नॉट वर्क आउट। अभी इस समय में कौन मकान बनाएगा जब जान के लाले पड़े हो। अब आप समझिए, अभी तो जान बचाने की नौबत आ रही है, अब ऐसे समय में होम लोन को सस्ता करना या MCLR को ड्रॉप करना या नया लोन आप आसानी से ले सकते हैं, लोन में रेट कट हो जाएंगे, ये जो
सिचुएशन है ये लगभग लगभग अभी उतनी उस तरह की प्रभावी नहीं है और ना ही अभी ये इतनी मदद करेंगे. सो ट्रांसमिशन ट्रबल, द आरबीआई नोज द मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन डज नॉट हैपन फास्ट एंड हैंस हैज स्टार्टेड इंटरवीनिंग इन मार्केट टू एंश्योर लिक्विडिटी. इट इज होप्ड दैट लोअर रेपो रेट्स विल एनकरेज बैंक्स टू नॉट होल्ड ऑन टू कैश. तो ठीक है, आरबीआई ने अभी जो ये जो छूट दी है इससे थोड़ा सा फायदा है, लेकिन इतना आसानी से अभी पॉलिसी ट्रांसमिट नहीं होगी. ट्रांसमिशन, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन इन दिनों में इतनी तेजी से संभव नहीं है. ब्रेस्ट फॉर इंपैक्ट, द वायरस वुड नॉट गो अवे एनी टाइम सून. इतना जल्दी जो है वायरस का जाना संभव नहीं है. सो इट्स इंपैक्ट विल बी फॉर टू मोर क्वार्टर्स. अभी आरबीआई को दो और क्वार्टर यानी कि 6 महीने तक इस वायरस का प्रभाव झेलना पड़ेगा. The public health crisis will quickly spin into financial crisis. और public health crisis जो है कभी भी जो है financial crisis में बदल सकती है. The slowdown will turn into bloodbath. और ये slowdown बड़ा खतरनाक स्थिति में भी पहुंच सकता है. But rate cuts may not matter much beyond a point. Reduced rates will harm the FD earnings of senior citizens. अब आपने जो rate cuts किए हैं इस रेट का सबसे ज्यादा नुकसान होगा जो फिक्स डिपॉजिट्स अर्निंग्स हैं सीनियर सिटीजन के. अभी आपने बहुत सारे लोगों के जो सेविंग्स हैं उनके ऊपर ब्याज दर कम कर दिया है. पेंशन, बहुत सारे पेंशनर हैं उनका पैसा जो पड़ा रहता है फिक्स डिपॉजिट्स है उसके ऊपर ब्याज दर कम हो गया. सुकन्या समृद्धि योजना में जो पैसा लगाया हुआ है, पहले कहते थे 20 साल में इतना पैसा जो है 20 साल की लड़की हो जाएगी तो उसको इतना पैसा मिलेगा, अब उतना नहीं मिल पाएगा, आपने वहां ब्याज दर कम कर दिया है. तो हमने बहुत सारी जगहों पर ब्याज दर कम किया है, पीपीएफ पे भी कम कर दिया है, जीपीएफ पे भी कम कर दिया है. तो जो सेविंग्स है उसके ऊपर जब हम कभी रिड्यूस करते हैं रेट्स को तो उसका अपना एक नुकसान होता है इकोनॉमी को. व्हाट अदर्स आर डूइंग, ऑस्ट्रिया हैज इशूड कोविड-19 बॉन्ड्स. ऐसे समय में बॉन्ड्स इशूज किए जा सकते हैं जिससे कि लोगों से दान लेने की अपेक्षा आप ये कह सकते हैं कि आप अभी बॉन्ड्स खरीदें, कोविड-19 बॉन्ड्स खरीदें, आप अभी पैसा इन्वेस्ट करें, भविष्य में आपको ज्यादा होके मिलेगा. ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे, सरकार के पास पैसा आ जाएगा. तो ऑस्ट्रिया ने ये किया है, कोविड-19 बॉन्ड्स किए हैं टू फाइनेंस द इमरजेंसी एड फंड. और लोगों को लगा कि अभी बॉन्ड खरीदना, कोविड-19 के नाम पे बॉन्ड खरीदना एक तरह की मदद भी हुई. तो मैं 50 करोड़ के बॉन्ड खरीदूंगा, मैं इतने करोड़ के बॉन्ड खरीदूंगा. आप दान अरेंज कर रहे हैं, एड अरेंज कर रहे हैं सीधा फंड के नाम पे, वो कोविड-19 बॉन्ड के नाम पे फंड अरेंज कर रहा है. तो यूएस फेड इज फाइनेंसिंग एसपीवी टू लेंड टू फर्म्स टू कैरी ऑन बिजनेस ऑपरेशंस. द आरबीआई नीड्स टू थिंक अबाउट इट. आरबीआई को ऐसा सोचना चाहिए. सो द 2020 इकोनॉमिक क्राइसिस इज स्ट्रक्चरली वेरी डिफरेंट फ्रॉम 2008 क्राइसिस. पूरी तरह से अलग है एंड डिफरेंट काइंड ऑफ प्लान इज नाउ नीडेड टू अवॉइड फाइनेंशियल मेल्टडाउन. तो ये एक आर्टिकल था. अगला है पीएम गरीब कल्याण योजना फॉल शॉर्ट ऑन रिलीफ. पीएम गरीब कल्याण योजना के बारे में बात करते हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं. अभी जो आपने पैकेज देखा सरकार का कि उन्होंने 1.7 लाख करोड़ का पैकेज जारी किया है, फाइनेंस मिनिस्टर आई थी सीतारमन, निर्मला सीतारमन, और उन्होंने अभी डिस्ट्रप्टेड लाइफ्स के लिए कहा कि नहीं हम एक पैकेज जारी कर रहे हैं. और ये पैकेज जो है ये क्या कहना चाह रहे हैं इसके बारे में बात करते हैं. सो ये और कुछ नहीं है, पीएम गरीब कल्याण योजना जो पहले आई थी जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वही पीएम गरीब कल्याण योजना जो आप डिमोनेटाइजेशन के समय में और या उस समय में देख रहे थे कि इतना पैसा दिया जाएगा, इतना इनके खाते में जनधन खातों में डाला जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, उसी का नया कवर बदल दिया इन्होंने. दरअसल इन्होंने कोई पैकेज जारी नहीं किया बल्कि अपनी जो फ्यूचर की जितनी भी योजनाएं हैं उन्हीं योजनाओं का पैसा एक साथ कर दिया. देखिए क्या किया है. द कोविड-19 लॉकडाउन हैज टोटली डिस्टर्बड लाइफ इन इंडिया एंड इम्पैक्ट ऑन लाइवलीहुड्स एंड बिजनेस इन सीवियर. द
The rupees 1.7 lakh crore package by Finance Minister Sitaraman covers many aspects. Enhanced food quotas under PDS, higher wages under MGNREGAs, and free LPGs under Ujjwala. जैसे उन्होंने क्या किया, 1.7 लाख करोड़ का जो पैकेज है ये कोई अलग से पैसा नहीं दिया है, बल्कि वो जो फूड कोटा जो है पीडीएस के अंदर करते हैं उसमें थोड़ा सा एनहांस कर दिया, हायर वेजेस कर दिए किसमें, मनरेगा में थोड़े से वेज बढ़ा दिए है, और एलपीजी उज्ज्वला के अंदर जो दिए जाते थे फ्री एलपीजी उसको भी काउंट कर लिया, तो 1.7 लाख करोड़ में ये सब चीजें जोड़ लिया। अलग से कोई कोविड 19 के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपया निकाल के दे दिया, ऐसा नहीं है। क्या देखिए, पीएम गरीब कल्याण योजना का नाम जो पहले से था, पहले से पीएम गरीब कल्याण योजना जो थी उसी पैकेज में, दिस पैकेज कवर्स कैश ट्रांसफर अंडर पीएम किसान स्कीम, तो उन्होंने कहा कि ये 1.7 लाख करोड़ में से ही हम 2000 रुपया जल्दी जारी कर देंगे, अभी कर देंगे, जैसे पीएम किसान ट्रांसफर आज कर भी दिया गया न्यूज में। 8.7 करोड़ फार्मर्स इज सिंपली फ्रंट लोडिंग ऑफ पेमेंट ड्यू लेटर, पेमेंट ड्यू लेटर, यानी कि ये जो 2000 रुपया ट्रांसफर होना था पीएम किसान का थोड़े समय बाद, उसको हमने पहले जारी कर दिया है, और जनधन खातों में 500 रुपया डाल दिया, लगभग 500 रुपया हर जनधन खाते में डाल देंगे। किन किन को कर देंगे, कैश फॉर सिटीजन, सीनियर सिटीजन एंड हैंडीकैप्ड पीपल एंड जनधन अकाउंट होल्डर्स। कैश एंड फूड कंपोनेंट्स विल मिटिगेट एंजाइटी समवॉट, बट द इकोनॉमिक स्ट्रेस विल नॉट गो अवे, तो थोड़ी सी एंजाइटी कम होगी इन कैश एंड फूड कंपोनेंट्स में, लेकिन कुछ एंजाइटी कम होने से बात नहीं बनेगी ना, क्योंकि इकोनॉमिक स्ट्रेस तो कहीं नहीं जाएगा। So, MGNREGA by wage revision by rupees 20 was also overdue. जो rupees 20 आगे जा करके overdue था, जो आपको देना ही था, उसकी घोषणा आपने कर दी, अभी दे दिया आपने उसको, और will take effect from April 1st, 2020. Total rupees 2000 crore outgo annually. 2000 करोड़ रुपया जो है वो वार्षिक इसमें खर्चा होगा। What about social distancing? While we expect workers to come for MGNREGA, अब आप ये सोचिए कि MGNREGA में तो काम कराया जाता है और काम करने के बदले फिर पैसा मिलता है, लेकिन फिर सोशल डिस्टेंसिंग का क्या होगा अगर उनको हम एक साथ बुलाएंगे काम करने के लिए। So can we give them cash without work? तो सबसे पहले तो MGNREGA में पैसा बढ़ाने से कुछ होगा नहीं। अभी अगर आप अभी कोविड 19 के नाम से अगर कोई पैकेज देना चाहते हैं तो आपको बिना काम कराए पैसा देना पड़ेगा अभी, क्योंकि काम करा के पैसा देंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का क्या होगा। सो टाइट रेवेन्यू पोजीशन, द गवर्नमेंट मे बी वरीड अबाउट पुअर फिस्कल स्ट्रेंथ एंड हेंस डिलेइंग ए बिगर रिलीफ पैकेज दैट कैन सेंड वरीज डाउन द इकोनॉमी, इकोनॉमी इज फाइन। सो द गवर्नमेंट मस्ट इमीडिएटली अनाउंस द फिस्कल डेफिसिट वुड नॉट बी ए क्राइटेरिया नाउ। अभी आपको फिस्कल डेफिसिट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को इमीडिएटली जो है बहुत सारी चीजें अनाउंस करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम राजकोषीय घाटे के बारे में इस समय में सोचेंगे तो ये हमारी सबसे बुरी स्थिति होगी। हमें अभी राजकोषीय घाटे के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। नेक्स्ट, हाउ टू रिड्रॉ द एनुअल बजट, फंड्स नीड टू बी रीअरेंज्ड एंड रिलोकेटेड नाउ। अब आपने अभी अभी बजट में जो सब चीजें कही है अब उसको तो फिर से रीअरेंज और रिलोकेटेड करने की जरूरत पड़ गई। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम टेक अप टू रुपीज 3.4 लाख करोड़ एनुअल। हाल दिस स्कीम फॉर 2021 पीरियड, अब 2020-21 के लिए हम लोगों को बिल्कुल रोक देना चाहिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को, पूरी तरह से रोक देना चाहिए, क्योंकि 3.4 लाख करोड़ साल का ये जो CSS है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये 2020-21 के लिए इनका कोई मतलब नहीं है। एंड ट्रांसफर देम एज कैश टू पुअर एंड वल्नरेबल, ये जो जितना भी कैश है 3.4 लाख करोड़ का, ये आपको सीधा सीधा वल्नरेबल और पुअर के कैश ट्रांसफर कर देना चाहिए उनके खातों में, वही हो जाएगा न्याय योजना, पीएम वो जो आप पीएम न्याय योजना बोल दो, या वो राहुल गांधी जो लेके आया था न्याय योजना, 72,000 रुपया हर आदमी के खाते में डाल दो, तो ये उतना ही जाएगा 3.4 लाख।
करोड़ ये 3.4 लाख करोड़ रुपए ही जाएगा वार्षिक, लगभग ये उतना ही जाएगा। ये आप सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम को रोक करके अगर 2020-21 में अगर सारे लोगों के कैश ट्रांसफर करोगे तो ये न्याय योजना हो जाएगा, बात वही हो गई। यही बात तो वो कर रहा था पहले, अब आपको वही करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर स्कीम चलाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि स्कीम तो अपने हिसाब से चलेगी और वो सिलेक्टिव लोगों के लिए होगी। यहाँ COVID-19 में वल्नरेबल सेक्शन की हालत खराब है, वो काम पे नहीं जा सकता, आपने सोशल डिस्टेंसिंग कराई हुई है, वो रोज कमाता है रोज खाता है, तो उसको पैसे की जरूरत है। 72,000 रुपया में शायद वो काम हो पाया, आप 1-2 हजार रुपया दे दोगे उससे कुछ नहीं होगा, और राशन पानी से भी कुछ नहीं होगा, दवाई कैसे आएगी। सो 72,000 से बात बन सकती है। तो ये 3.4 लाख करोड़ वार्षिक जो है ये बचा करके सीधा कैश ट्रांसफर किया जा सकता है। स्टॉप ऑल पे एंड पेंशन हाइक्स फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। अभी जितना भी पेंशन और पे पेमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का बढ़ाते हो 7 पे कमीशन के हिसाब से, उसको रोक देना चाहिए, अभी कुछ भी नहीं बढ़ाना चाहिए। जीडीपी ग्रोथ रेट एस्टिमेट्स के हिसाब से वाइडन द फिस्कल डेफिसिट एंड लेट आरबीआई मोनेटाइज। अभी थोड़ा फिस्कल डेफिसिट को वाइड करना चाहिए, ज्यादा हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, और आरबीआई को मोनेटाइजेशन के बारे में सोचना चाहिए। 4-5 लाख करोड़ रुपया जो है छापा जा सकता है बिना किसी सिक्योरिटी के आरबीआई के द्वारा, अभी अभी इतनी कोई बुरी स्थिति नहीं है। तो लॉकडाउन के समय में अर्थव्यवस्था को अगर ठीक करना है तो मोनेटाइजेशन, जो डिमोनेटाइजेशन हमने किया था करेंसी जो नोट्स थे हमारे उनको हम लोगों ने बाहर कर दिया था और नए नोट लेके आए थे, अब हमको डिमोनेटाइजेशन किया तो मोनेटाइजेशन करना चाहिए। और मोनेटाइज करने का मतलब ये है कि हम 4-5 लाख करोड़ रुपया छाप दें, और ये रिस्क तो लेनी पड़ेगी जबकि हमारे पास है नहीं अभी वो, लेकिन हमको छापना पड़ेगा। तो आरबीआई को ऐसे समय में नोट छापने चाहिए, कम से कम 4-5 लाख करोड़ रुपया छाप करके अभी की स्थिति को ठीक किया जा सकता है, बाद में जब स्थिति जब ठीक हो जाएगी तब उसको मेंटेन कर लिया जाएगा। सो द लॉकडाउन हैज डिप्रेस्ड डिमांड, सो नो रिस्क फॉर इन्फ्लेशन आइदर। अभी कोई इन्फ्लेशन जैसा तो इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए नोट छापना कब नुकसानदायक होता है कि जब मार्केट में मुद्रा ज्यादा हो जाएगी और डिमांड फिर बढ़ जाएगी, मुद्रा ज्यादा हो जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी और डिमांड की फिर सप्लाई हम नहीं कर पाएंगे तो फिर इन्फ्लेशन आ जाएगा, ये ऐसी परिस्थितियां आ जाएंगी। तो इन्फ्लेशन वाली स्थिति अभी आ ही नहीं सकती क्योंकि सब लोग घरों में बंद है और कोई भी खरीदने नहीं जाने वाला, इसलिए अगर आप ऐसे में नोट छापते हैं तो खरीदारी पे कोई असर नहीं आने वाला, ऐसा नहीं कि लोग बहुत खरीदने लग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। ओनली प्राइस राइज विल ड्यू टू सप्लाई साइड प्रॉब्लम्स, तो प्राइस राइज जो है वो सप्लाई साइड प्रॉब्लम है, सो दैट हैज टू बी हैंडल एडमिनिस्ट्रेटिवली। इसको तो प्रशासनिक तरीके से हैंडल किया जा सकता है, आपके तहसीलदार एसडीएम कलेक्टर क्या कर रहे हैं, ये प्राइस को कम करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे उसको। सो मोनेटाइजिंग डेफिसिट मे नॉट बी नीडेड इफ बजट एलोकेशंस आर चेंज्ड, तो ये कोई समस्या नहीं होगी। वेयर टू स्पेंड द माइग्रेंट इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स अकाउंटिंग फॉर 90% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स वर नॉट गिवन एनीथिंग डायरेक्टली, सो दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू पीएम किसान और मनरेगा। द ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स रिलीफ पैकेज वाया ईपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन लोड शेयरिंग बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इज नॉट फॉर दिस पीपल, इतना दे ओनली गेट द पीडीएस फूड ग्रेन रिलीफ, उनको केवल पीडीएस फूड ग्रेन रिलीफ मिल रहा है, तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो उनको पीएम किसान और मनरेगा से इतना ज्यादा फायदा जो है माइग्रेंट पीपल को नहीं, क्योंकि वो पीएम किसान में भी जो दरअसल वाकई में जो दिल्ली से जो भागे हुए लोग हैं ना वो मनरेगा में है ना वो पीएम किसान है, तो आपने ये जो अभी पैकेज दिया है इनका माइग्रेंट से कोई लेना देना नहीं है। जो लोग दिल्ली से भागे आपने पैकेज जारी कर दिया, अब मत भागो देखो हम पैकेज जारी कर रहे हैं, वो 80 लाख वर्कर्स जो है वो उससे कोई लेना देना नहीं है उनका, क्योंकि वो पीएम किसान में भी नहीं आते, वो मनरेगा में भी नहीं आते, वो तो केवल पीडीएस से फूड ग्रेन ले सकते हैं। सो डू नॉट लेट द माइग्रेंट वर्कर्स टू गो बैक टू विलेजेस और हाउस देम इन नीट एंड क्लीन कैंप्स विद प्रॉपर सप्लाईज, उनको तो मकान चाहिए जो नीट और क्लीन हो और जिनमें सप्लाई हो अलोंग द हाईवेज इटसेल्फ। एंश्योरिंग सप्लाई फॉर ऑफ एसेंशियल इन रूरल इंडिया विल हेल्प इन अ बिग वे, रूरल इंडिया में भी अगर हम पर्याप्त सप्लाई करेंगे इन सब चीजों की नीड्स की तो शायद हम लोगों को फायदा होगा। एज सप्लाईज हैव बीन डिसरप्टेड द पीएम गरीब कल्याण स्कीम हैज लेफ्ट आउट द माइग्रेंट वर्कर्स, दरअसल पीएम गरीब कल्याण स्कीम जो अभी
जारी की है सरकार ने, अपना पुरानी योजना को ही नए उसमें बंद करके भेज दिया है फिर से. सो एंड टारगेटेड कैश एंड काइंड सपोर्ट इट्स नाउ नीडेड. माइग्रेंट वर्कर्स को इस पीएम गरीब कल्याण योजना से कोई लेना देना नहीं है, ना ही उसको कोई फायदा होने वाला है. उनको फायदा होगा कैश और इस प्रकार के सपोर्ट से. चलिए, पीएम गरीब कल्याण योजना क्या थी? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना वॉज लॉन्च इन द ईयर 2016. PM Narendra Modi along with the other provisions of taxation laws. Second Amendment Act to 2016, it came into effect from 17 December 2016 under Ministry of Finance. So, ye yojana abhi phir se naye naam se. There have been recent updates on PM Garib Kalyan Yojana as declared by the Finance Minister of India, Nirmala Sitharaman. तो अभी फिर से नए कलेवर में इसको देने की कोशिश की गई है. तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से. ये क्या था? और ड्यू टू द आउटब्रेक ऑफ COVID-19 इन इंडिया, द फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस्ड 1.7 लाख करोड़ गरीब कल्याण पैकेज टू मिटिगेट द लॉस फेस्ड बाय द पुअर ड्यू टू कोरोना वायरस लॉकडाउन. तो कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से जो समस्या आई है 21 दिन के लॉकडाउन की वजह से, तो इसमें करीब इंडियन इकोनॉमी का 9 लाख करोड़ रुपया का नुकसान होगा लगभग एक्सपेक्टेड. और ये इन्होंने 1.7 लाख करोड़ का एक गरीब कल्याण पैकेज जारी किया है. तो इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसका लीजिए. वैसे तो नोट करना चाहिए आपको, लेकिन यहाँ योजना है. उसका स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है. इसका लीजिए, ये आपके नोट्स हैं जो इसके आधार पर बनेंगे. अभी इसमें भी यही सेम प्रॉब्लम है. कॉपी पेस्ट हो गया. इसका लीजिए, ये सब आपके नोट्स के रूप में काम आएगा. अब फ्री एलपीजी सिलेंडर टू द बीपीएल फैमिलीज ऑलरेडी दे रहे थे, ये इसी में जोड़ लिया. दरअसल जो बीपीएल के लिए जो योजनाएं चल रही थी, जो पीएम किसान के लिए जो चल रही थी, उन्हीं सब योजनाओं का सारा पैसा जोड़ करके उन्होंने 1.7 लाख करोड़ हम दे रहे हैं. ये आप देने ही वाले थे, बस ये है कि किसी को अब एक महीने बाद देने वाले थे, किसी को 1.5 महीने बाद देने वाले थे. उनके खाते में वैसे भी ये सब चीजें पहुंचने वाली थी, लेकिन अब ये 1 अप्रैल 2020 को पहुंच जाएगी. ये 1 अप्रैल 2020 की स्थिति में आप ये इतना दे दोगे. तो कोई नया काम नहीं किया इन्होंने, कोई नया पैकेज नहीं है. ये सब ऑलरेडी होने वाला था. इन्होंने वो भी जो सिलेंडर दे रहे हैं उज्ज्वला स्कीम में, उधर भी जोड़ रखा और यहाँ पे भी जोड़ लिया कि नेक्स्ट 3 मंथ तक जो है हम फ्री सिलेंडर देंगे पूरी तरह से. पहले आप देते ही थे, पर आप सब्सिडाइज रेट पे देते थे उज्ज्वला स्कीम के तहत. अब आपने उसको यहाँ पर 3 महीने तक हम इसके तहत देंगे, पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत देंगे. तो ये थोड़ा सा, चलिए खैर जो भी है. इसके अलावा देखिए अगला क्या हो सकता है. तो ये लास्ट स्लाइड है और इसके बाद हम अपना लेक्चर समाप्त करेंगे. तो ये पढ़ लीजिएगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं. वायरल ऑन स्लैट्स और कंटिन्यूइंग द लेटेस्ट सार्स कोविड टू इस पार्ट ऑफ द लॉन्ग लिस्ट. इबोला हुआ था, जीका, निपा, सार्स, मर्स, H1N1. दिस वुड नॉट स्टॉप एंड इवन म्यूटेशंस ऑफ नॉन वायरसेस विल ब्रेक
हैबॉक रेगुलरली, हमेशा आते रहते हैं, इनके म्यूटेशन आते रहते हैं. ये जो ऑलरेडी इबोला, जीका, निपा, सार्स, मर्स, H1N1, ये कहीं गए नहीं है, लेकिन इनके म्यूटेटेड जो वर्जन है वो आते जा रहे हैं. ओनली द जीका इज स्प्रेड बाय एडिस मॉस्किटो, एडिस एजिप्टाई से जीका जो है वो होता है. बाकी सारे के सारे ह्यूमन प्रॉक्सिमिटी विद द वाइल्ड एनिमल्स, हमारी जो नजदीकी वाइल्ड एनिमल्स के साथ रही है, हम जो जंगली जानवरों के पास गए, हमने कहा था ना आपको कि बायोडाइवर्सिटी जितनी ज्यादा कम होंगी उतनी ज्यादा डिजीज होंगी. सो लेक बाय लेक ऑफ बायोडाइवर्सिटी मोर डिजीजेस. बायोडाइवर्सिटी के नजदीक जाने से ये सारी समस्याएं खड़ी हुई हैं. तो ह्यूमन प्रॉक्सिमिटी विथ वाइल्ड एनिमल्स, सो बैट्स एट द सोर्स इन मेनी केसेस. जो चमगादड़ है वो ओरिजिनल रिजर्वायर है इनसा सब वायरसेस का. सी फूड ब्रॉट इट टू ह्यूमंस, वहां सी फूड वाले मार्केट से निकल करके आया था. सो इंडियन सिचुएशन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन लाइक कोलेरा, टाइफाइड डू हैव सॉल्यूशंस लाइक ड्रग्स एंड वैक्सीन्स. बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए हमारे पास ड्रग्स और वैक्सीन्स हैं, बट सम वायरसेस डू नॉट हैव एनी सॉल्यूशंस. कुछ वायरसेस का हमारे पास कोई सॉल्यूशन ड्यू टू पुअर हाइजीन एंड अवेयरनेस. अब देखो इंडिया में कई बार जो हाइजीन के बारे में और अवेयरनेस के बारे में कहा जाता है कि गरीब लोग जो होते हैं उनको हाइजीन जो है उनका अच्छा नहीं होता, लेकिन वो रेजिस्टेंट है, उनको कुछ नहीं होता, बहुत गंदे रहते हैं, बहुत गंदगी में रहते हैं, और उनको ये कोई अच्छी चीज नहीं है गंदगी में रहना. और अगर उनको कोई प्रॉब्लम है भी तो हमको कैसे पता चलेगा और कैसे नहीं चलेगा. सो इंडिया में ये प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ हाइजीन बहुत पुअर है, अवेयरनेस बहुत कम है. इंडिया कैन फेस सीरियस सिचुएशन ड्यू टू वायरस आउटब्रेक्स. तो इंडिया में ये खतरनाक स्थिति हो सकती है क्योंकि हम लोग पहले से हालत खराब है हमारी. So India response as per WHO advice, the work is restricted to NIV Pune. हमने केवल यही National Institute of Virology में ही work को जो है restricted किया हुआ है. But India can do much better. इससे भी ज्यादा अच्छा किया जा सकता है. Much more can be done. इससे भी ज्यादा करने की आवश्यकता है. क्या करने की आवश्यकता है? First of all, sequence the genome of all the isolates in infected patients in India. हम लोगों को सबका जीनोम सीक्वेंस करना चाहिए, सब लोगों का जो खास करके इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं जितने भी. द आरएनए वायरस फर्स्ट नीड्स टू बी चेंज टू डीएनए एंड देन द बेस पेयर्स एटीसीजी सीक्वेंस्ड. तो सबसे पहले तो आरएनए वायरस डीएनए बनाता है. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के बारे में आपको बताया था हमने, टेमिनिज्म, टेमिन ने. और इट टेक्स जस्ट 2 hours टू सिक्वेंस ओनली 30,000 अल्फाबेट्स 30 KB. तो केवल 2 घंटे लगते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग के. अगर आप ये कर सकें तो हम आसानी से जो है अच्छी दवा बना पाएंगे, वैक्सीन बना पाएंगे और इस दिशा में बड़ा काम कर पाएंगे इस वायरस के. द म्यूटेटिंग वायरस इज टेकिंग न्यू शेप्स इन द यूएस. यूएस में उसने, इस वायरस ने एक नया शेप ले लिया, इसलिए आप देख रहे हो वहां मोर्टेलिटी भी ज्यादा है अलग एज कम्पेयर टू चाइना. चाइना में वो अलग वायरस था, उसने म्यूटेशन कर लिया यूएस में जाकर के. और इस डेट ए कॉपिंग एरर इन आरएनए ऑटो डीएनए मैकेनिज्म. तो शायद ये कहीं ना कहीं एक आरएनए और डीएनए मैकेनिज्म में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉपिंग एरर है. सो इंडिया मस्ट इंश्योर सीक्वेंसिंग इन एटलीस्ट 3 डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया. तो अलग अलग जगह पर जो है सिक्वेंस कराना चाहिए टू एलिमिनेट सिक्वेंसिंग एरर्स. सो व्हाई वी नीड द जीनोम टू प्रॉपरली डिजाइन द ड्रग्स एंड वैक्सीन. तो हमको जीनोम की आवश्यकता इसलिए क्योंकि हम एक प्रॉपर डिजाइन कर पाएंगे ड्रग्स और वैक्सीन की. 4 ways टू फाइट COVID-19 राइट नाउ. फर्स्ट, यूज एग्जिस्टिंग ड्रग्स. कल भी बताया था आपको, परसों शायद मैंने आपको ये क्लास में बताया था कि हम रिपर्पज कर सकते हैं एग्जिस्टिंग ड्रग्स का, जैसे एंटी एचआईवी ड्रग्स वही लिपोनेविर, रिटोनेविर, लिपोनेविर का हम लोग रीयूज कर सकते हैं, रिपर्पज कर सकते हैं. एंटी मलेरियल ड्रग्स हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का हम लोग रिपर्पज कर सकते हैं और किया भी है. सो वह इट मेक्स द एसिडिक एंडोसोम कंपार्टमेंट वेयर द वायरस रेप्लिकेट्स एल्कलाइन टू प्रिवेंट द प्रोसेस. क्योंकि इनके पास एक एंडोसोम कंपार्टमेंट होता है एसिडिक वाला होता है और वायरस रेप्लिकेट करता है एल्कलाइन में, तो ये प्रिवेंट कर सकता है इस प्रोसेस को. सो एसिक्यूज जो है उसके पीछे लॉजिक है. सेकेंड, पैसिव इम्यूनाइजेशन यूजिंग प्लाज्मा फ्रॉम रिकवर्ड COVID-19 पेशेंट्स. एक और ये बताया गया जो हमने सार्स के मामले में किया था कि COVID-19 पेशेंट्स में, जैसे सार्स के पेशेंट्स का हमने प्लाज्मा के रीइम्यूनाइजेशन किया था, पैसिव इम्यूनाइजेशन किया था, कि जिन लोगों ने अपने अंदर एंटीबॉडी डेवलप कर ली है, जो लोग ऑलरेडी किसी वायरस के खिलाफ एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी डेवलप कर चुके हैं, अगर उनका प्लाज्मा अगर हम चढ़ाएं पेशेंट को
तो हम एक तरह से उसको फाइट कर सकते हैं. थर्ड, क्लोन बी सेल्स फ्रॉम रिकवर्ड पेशेंट्स, ये मत करो भाई, टू मेक थेरेप्यूटिक एंटीबॉडीज. लॉन्ग टर्म अप्रोच, क्लोन द जीनोम, मेक रिकॉम्बिनेंट एंटीजेंस एंड टेस्ट फॉर वैक्सीन्स एंड ड्रग पोटेंशियल. ये मैं पढ़ रहा हूं डी वाला, लॉन्ग टर्म अप्रोच. ये कर सकते हैं कि क्लोन करना पड़ेगा हमको जीनोम का, मेक रिकॉम्बिनेंट एंटीजन, फिर हमको रिकॉम्बिनेंट एंटीजन बनाना पड़ेगा एंड टेस्ट फॉर वैक्सीन एंड ड्रग पोटेंशियल. तब हम उसको वैक्सीन को, वैक्सीन के लिए और उसके लिए टेस्ट करेंगे. हाउ मच टाइम दे विल नीड, एनीथिंग फ्रॉम 3 to 18 months टू बिल्ड अ वैक्सीन. एक्सपर्ट्स आर नीडेड फ्रॉम दिस एरियाज. क्लिनिकल वायरोलॉजी के एक्सपर्ट्स चाहिएंगे, मॉलिक्यूलर वायरोलॉजी के चाहिएंगे, वैक्सीन प्रोडक्शन वाले चाहिए, क्लिनिकल ट्रायल एंड ड्रग्स वाले चाहिए, डीएनए आरएनए सीक्वेंसिंग एक्सपर्टीज हमको लगेंगे. तो ये इतनी ही सारी चीजें हमको करनी पड़ेंगी. सो इट इज टाइम फॉर इंडिया टू लिवरेज इट साइंटिफिक स्ट्रेंथ बिल्ट ओवर द ईयर्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एंड राइज टू द ओकेजन. दिस इज एज इम्पोर्टेंट एज स्पेस रिसर्च. तो स्पेस रिसर्च की तरह यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है. द इंडियन साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट रिस्पॉन्स टू कोविड 19 क्राइसिस मस्ट गो बियॉन्ड द WHO's recommendations एंड वी मस्ट स्ट्राइव टू बिल्ड ए वैक्सीन फास्ट. हमको काम करना चाहिए वैक्सीन के बनाने की दिशा में, और यदि ये हम कर पाए तो निश्चित रूप से जो है भारत एक नेतृत्व इस दिशा में दे पाएगा. और हम ये नेतृत्व अगर देने में सक्षम हुए तो ये समय है जब हमको ये मौका मिला है, ये अवसर है इसके साथ. तो चलिए इसके साथ ही हम ये चीज एंड करते हैं. और आज की बात हम लोग समाप्त करें, उससे पहले आप लोगों को होमवर्क दिया गया है बहुत सारा. ये कौन करता रहता भैया, ये कौन चला रहा, छोटा बच्चा है क्या भाई? चलिए घर अपनी अटेंडेंस मार्क कीजिएगा, ठीक है. आज की बात समाप्त कर रहे हैं हम लोग. अटेंडेंस मार्क कीजिए. गुड. ओके. तो बहुत सारा होमवर्क है आपके पास, ये होमवर्क करिएगा. ठीक है. बहुत बढ़िया. चलिए काफी लोग आए और मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी जानकारी, कल वाला भी रिवीजन करने को मिला है और आज भी बहुत सारी नई चीजें मिली होंगी. चलिए अच्छा है. ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे.